आज बाजार के लिए ऑलमोस्ट ब्लैक फ्राइडे जैसा है माहौल, बहुत तेज गिरावट और वो भी तब जबकि दुनिया भर के बाजार हैं मजबूत। हमारे अपने कारणों से टूटते फिसलते भारतीय बाजार, आखिरी डेढ़ घंटे में कहीं कोई राहत मिलेगी या बढ़ेगी कमजोरी, लेंगे इस सवाल का जवाब। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है, नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं रजत। तो रिजल्ट्स हैवी डे भी होता चला जा रहा है। अभी आरबीआई बैंक के नतीजे थोड़ी देर पहले हमने देखे, उसके बाद बंधन बैंक और अब है डाबर जो कि रेडार पर है। और डाबर ने पहला आंकड़ा जो मैं आपको बताऊं वो है वॉल्यूम ग्रोथ का, 9.6%। लवली अनिल जी, ये कैसे? अमेजिंग। 9.6% की वॉल्यूम ग्रोथ डाबर की, 10% के करीब वन टाइम, एक बार ही हुई है जो हुई है, वन टाइम इसी क्वार्टर की है, इसीलिए स्टॉक वो रिएक्शन नहीं दे रहा जो देना चाहिए। लेकिन हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं, ये वॉल्यूम ग्रोथ बेहद शानदार है। और आज सुबह हम बात ही कर रहे थे कि 8-10% के बीच में आ जाए तो बड़ी बात नहीं होगी। 8-10% अनुमान था नहीं, 4-5% मैक्सिमम ये सोच रहे थे। लेकिन बावजूद स्टॉक इसलिए नहीं चल रहा कि ये वो पुश करके की हुई सेल्स से। डाबर के मैनेजमेंट 3 बजे हमारे साथ होंगे और तब हम उनसे बातचीत करेंगे, बताएंगे भी कि किस वजह से ये वॉल्यूम ग्रोथ आई और क्या आगे भी रहेगी। मुझे डाउट है, ये वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी नहीं है, बेहद शानदार है, बेहद बेहतरीन है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन अब हो गया, व्हाट नेक्स्ट, क्या अगली तिमाही में ये रहेगी, मेरा ये सवाल है इसका जवाब मुझे। क्योंकि 390-400 के लेवल से यहाँ पर चलता हुआ आया और रिजल्ट से पहले खड़ा हो गया 430 के लेवल पे आके। अब 1% है ऊपरी स्तर पे मुनाफा वसूली, लेकिन 342 करोड़ मुनाफे की फिगर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसके मुकाबले 363 करोड़ की फिगर आई है। कामकाजी मुनाफा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 406 करोड़ रहेगा, उसके मुकाबले 458 करोड़ का कामकाजी मुनाफा। एक चीज तो बहुत क्लियर है, रिजल्ट किसी भी लिहाज से खराब बिल्कुल भी नहीं है और एकमुश्त गाता 20 करोड़ होने के बावजूद ये मुनाफे का आंकड़ा है। तो अगर वो वन टाइम लॉस को हटा दो आप तो और बेहतर नंबर है, करेक्ट। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि डाबर ने हर एक पैरामीटर पर बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किया है, शानदार रिजल्ट्स, इसमें डाउट ही नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हम कह भी रहे थे लगातार कि डाबर में रिजल्ट्स अच्छे होने चाहिए, मेरा ये मानना है कि, लेकिन वही था कि 445-50 कहीं आकर रुक जाएगा। तो लेकिन अच्छी बात यह कि इन रिजल्ट्स के बाद स्टॉक ज़्यादा कमज़ोर नहीं हुआ, गिरा नहीं है, वो एक अच्छी बात है, क्योंकि पहले बढ़ा हुआ भी था, उसके बावजूद दिहाई के आसपास। एक बार 400 फटाफट राय ले लें। राकेश जी, पहले डाबर के चार्ट्स बता दीजिए, बंसल साहब, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अनिल जी, चार्ट से पहले मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, आपने बड़ा कैटेगोरीली 9.5-10% की ग्रोथ की बात करी थी डाबर में, और उस समय जो मोस्ट एलिजिबल बैचलर हैं, मतलब कि हम लोगों के सामने, उन्होंने बड़ा ताजुब दिखाया था कि 10% की ग्रोथ नहीं आ सकती है। और अनिल जी, मैं खुद सरप्राइज्ड हूँ, मैं भी मतलब कि उस एलिजिबल बैचलर के साथ ही मेरा व्यू था कि लीवर में इतनी ग्रोथ नहीं आ रही है तो डाबर में कहाँ से आएगी। बट मुझे ध्यान है अच्छे से, आपने 9.5-10% की आसपास की बात करी थी बड़े क्लियरली इन डाबर। और डाबर में अनिल जी, टेक्निकली अगर आप देखें तो बिल्कुल भी करेक्शन देखने को नहीं मिली है, टेक्निकल पैटर्न बढ़िया है, नीचे में एक अच्छा सपोर्ट 413-415 का है और आज भी 415 के करीब जाके स्टॉक वापस ऊपर की तरफ आया, तो टेक्निकल पैटर्न अच्छा है। बट अनिल जी, हैट्स ऑफ टू यू, जो आपने डाबर में आपका रिजल्ट का विश्लेषण था वो एकदम करेक्ट निकला। कभी कभी अंदाज ठीक निकल जाता है बंसल जी, वो ठीक है, मतलब हो गया आज अंदाज भी अंदाज भी 1-2% का होता है, 5% ऊपर का अंदाज थोड़ी होता है कि 10% का। यहाँ डाबर ने इस बार इस क्वार्टर में बहुत मेहनत की अपनी सेल्स पुश करने के लिए और उस लिहाज से रिजल्ट काफी बेहतरीन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते, बता दें आपको इस वक्त की बाजार की बड़ी बात है। निचले स्तरों पर है बाजार, इस वक्त 11450 के भी नीचे है निफ्टी, सेंसेक्स में 500 अंकों का नुकसान है और 3800 के करीब है। बैंक निफ्टी लगभग 500-600 अंक लुढ़का हुआ है इस वक्त, आप देख सकते हैं बेहद कमजोर है बैंक निफ्टी, 600 अंकों का नुकसान। 3 साल के निचले स्तरों पर ऑटो इंडेक्स काम कर रहा है, 3% लुढ़का है आज, और मैनेजमेंट की कमेंट्री के बाद आरबीएल गया 10%, आज का एक्सीडेंट। उफ, महंगे स्टॉक्स जहां पर जरा भी कहीं कोई गड़बड़ हो तो फिर आप देख लेते क्या हो रहा है। अच्छा, अब ये बिकवाली के पीछे ये एफपीआई का मूड क्यों बिगड़ा है, यहाँ पर एफआईएस की जिस तरीके की बिकवाली देखने को मिल रही है सर, 6,000 करोड़ तो जुलाई में ही सामान बेच गए, तो अभी यहाँ पर और कितनी बिकवाली देखने को मिल सकती है और ये सरचार्ज का क्या दिक्कत क्या आ गई? अभी तक तो स्टॉक ही बेचे हैं, सामान कहाँ बेचा है, अपने टेबल कुर्सी कंप्यूटर तो बाद में इंडेक्स इंडेक्स में तो खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन ये स्टॉक स्पेसिफिक बिकवाली बहुत स्ट्रांग होते चले जा रही है। डीआई संभाल लेंगे? नहीं, डीआई क्या संभालेंगे, एफआईएस का फ्लो वो अलग तरह का होता है, डीआईज का पैसा है ना नहर की तरह है, कैनल जो होती है वो धीरे 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 कैनाल की तरह धीरे धीरे पानी में जाता है ना उसमें, और एफआईएस का पैसा बाढ़ की तरह है वो एकदम फुल फोर्स से निकलता है तो तोड़ के, तो ये वैसा वाला मामला है। तो ये
और इसकी वजह एक ही, देखिए बजट में जो प्रस्ताव आया है सुपर रिच टैक्स वाला, वो FIs को पसंद नहीं आ रहा। और अब FIs कमोबेश ये मान लिया है कि जिस तरह से वित्त मंत्री जी ने साफ कहा है कि भाई आपको अगर बदलना है तो आप कंपनी में आ जाइए, कॉरपोरेट में आ जाइए, अगर आप एसोसिएशन ऑफ पर्सन हैं या आप ट्रस्ट हैं तो आपको टैक्स लगेगा ही लगेगा। 70% FIs इस वक्त, FPIs जिसे हम आमतौर पर FIs बोलते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, 70% ऐसे हैं हिंदुस्तान में जो या तो AOP की तरह या ट्रस्ट के तौर पर रजिस्टर्ड है। तो जाहिर सी बात है कि अगर उन्हें टैक्स बचाना है तो उन्हें पूरा कार्यक्रम फिर से करना है, एक कंपनी बनाओ, कंपनी रजिस्टर करो, फिर यहाँ के कंपनी के नियमों का पालन करो। दूसरा ये कि वो ये कहते हैं कि दुनिया भर में इतना टैक्स लगता नहीं तो आप क्यों लगा रहे हैं, ऐसा हिंदुस्तान में क्या खास है जिसकी वजह से हम टैक्स दें। इसलिए FIs का मूड उखड़ा हुआ है। और आमतौर पर आप मानकर चलिए कि FIs जो इन्वेस्टर हैं जिस मात्रा में पैसे लगाते हैं वो कमाएंगे तो 2-5 करोड़ से ज़्यादा ही कमाएंगे। तो 5 करोड़ ज़्यादा कमाते आपके लिए 43% टैक्स हो जाता है, 37% का सरचार्ज है जो उन्हें मंजूर नहीं है। ये एक मूड बिगाड़ने वाली बात है। अभी तक तो देखिए ग्लोबल मार्केट सब कुछ चुस्त दुरुस्त है, सब ठीक है, करेक्ट, बाकी कहीं कोई ऐसा ख़राब है नहीं, तो फिर किस वजह से आप ये कहेंगे कि बाज़ार हमारे अकेले गिर रहे हैं। तो हमारे 125 पॉइंट ऊपर देखिए, उसके बावजूद हम कमज़ोर है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने रीजन से, और हमारा अपना रीजन एक ही है, FIs की बिकवाली। और FIs की बिकवाली एक ही रीजन से है कि बजट में सुपर टैक्स, सुपर रिच वाला टैक्स उन्हें पसंद नहीं आ रहा, उनके लिए दिक्कत की बात है। तो अब यहाँ पर अब निफ्टी तो पहुँच गया 11,450 के नीचे, अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे ये भी जानना जरूरी होगा, वो आपकी स्ट्रैटेजी में पता लग जाएगा बस कुछ ही देर में। और ऊपर से रिजल्ट्स हैवी डे भी बनता चला जा रहा है, लेकिन एक बिगुल बजाने का समय हो गया सर। और सचिन जी बार बार बोल रहे हैं कि एक स्टॉक उनको फिर से ओपनिंग में ही देना है। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर, क्यों नहीं। तो फिर सचिन जी के पास चलते हैं, आपको बुलाते हैं, इसीलिए स्वागत है आपका। और वो भी फटाफट से ना, ये पहली बॉल पे चौके छक्के मारने को तैयार ही रहते हैं, अभी आते बोलने शुरू करते हैं मेरे को पास एक स्टॉक, देश को ऐसे लोगों की जरूरत है। बस मैं उम्मीद ये करता हूँ कि कोई बाय वाला कॉल दे दे, वैसे होगा नहीं, मुझे पूरा भरोसा है। आइए सचिन जी के लिए बिल्कुल BTSTT वाला। बताए सर क्या बेचना है? बेचना ही है एस्कॉर्ट्स, जिस तरीके से इस पूरे चार्ट स्टॉक का स्ट्रक्चर रहा है, यू नो काफ़ी वीकनिंग ट्रेंड पे था एंड 520 के आसपास एक होप था, आई थिंक उस पर्टिकुलर होप लेवल को भी उसने ब्रीच कर दिया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से जो रफ्तार बनेगी वो 500 तक एक्सटेंड हो सकती है। तो 520 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर फ्यूचर्स में बिकवाली की सलाह है। फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 500 का और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 485 का। ये पोजिशन कैरी फॉरवर्ड करने चाहिए। 512 पर इस वक्त चल रहा है, स्टॉप लॉस लगाना है आप बता रहे हैं 520, अच्छा 512 हो गया, 500 जब मैं देख रहा था 515 था। ओ सो 520 का एक आइडियल स्टॉप लॉस है, ठीक है। एंड मुझे लग रहा है यहाँ से और भी प्रेशर बन सकता है, उसका जो रीसेंट स्विंग का 510 का आई थिंक वो पर्टिकुलर लेवल भी इमीडिएटली ब्रीच हो जाएगा। नीचे अराउंड 485 तक ये मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। तो आई थिंक टारगेट मुझे लग रहा है 500 नहीं, आई थिंक 485 के लिए खेलेंगे। चलिए 485 का टारगेट होगा और 520 ये एक आइडियल स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चलिए। लेकिन 511 दिन के निचले स्तर पे है एक एस्कॉर्ट्स बिकवाली और बढ़ सकते हैं। पहली कॉल सचिन जी की ओर से, लेकिन कौन से इवेंट्स इंपॉर्टेंट हैं अब जब बाजार अगली बार खुलेंगे सोमवार को, तो किन इवेंट्स को हम ट्रैक कर रहे हैं वो आज ही आप सूची कर लीजिए तैयार। मानसी ने वो सूची पहले तैयार कर रखी है, मानसी बताएं कौन से इवेंट्स। जी बिल्कुल शुक्रिया रजत। देखिए आज कल और सोमवार तक के इवेंट्स आपको बता देते हैं। इंडिगो की बोर्ड बैठक और कॉन्फ्रेंस दोनों ही आज होने जा रही है। नतीजे भी हैं कंपनी के, पहले बोर्ड बैठक होगी और उसके बाद शाम को कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। माना जा रहा है कि कारोबार विस्तार पर इस बोर्ड बैठक में चर्चा होगी और साथ ही राहुल भाटिया और ग्रुप डायरेक्टर गंगवाल से सफाई भी मांगी जा सकती है इसी बोर्ड बैठक में, तो इस पर हमारी नज़र है। साथ ही कर्नाटक में विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग का फैसला आना था, अब यहाँ पर कन्फ्यूजन बिल्कुल देखने को मिल रहा है। दोपहर 1:30 बजे तक बहुमत साबित करने का आदेश दिया था लेकिन अब तक कोई पुष्टि नहीं हुई, तो ये खबर है जिस पर नजर रखनी होगी। साथ ही CPSE ETF रिटेल निवेशकों के लिए खुला है, कल ही एंकर निवेशक के लिए खुला था, आज रिटेल निवेशकों के लिए खुल चुका है। कैपेसिटी इंफ्रा कंपनी की एक अहम बोर्ड बैठक आज होने जा रही है, QIP के माध्यम से कंपनी यहां पर पूंजी जुटाने को लेकर सोच विचार करेगी। नतीजे हैं ढेर सारे, यहां पर निफ्टी स्पेस में रिलायंस अपने नतीजे पेश करेंगे, आज शाम को ये नतीजे आते हुए दिखेंगे। F&O स्पेस में L&T फाइनेंस होल्डिंग्स, इंडिगो, हिंदुस्तान जिंक जैसी कंपनियों के नतीजे आएंगे और कैश में भी कई सारी कंपनियां हैं जैसे कि धानुका, एग्रीटेक, महिंद्रा, CII, JM फाइनेंशियल, तमाम कंपनियों के नतीजे आते हुए दिखेंगे। है क्योंकि कंपनी की एक बोर्ड बैठक हो रही है, पूंजी जुटाने को लेकर कंपनी सोच विचार करेगी। HDFC बैंक बड़ी खबर है, स्पेशल डिविडेंड जारी करने पर यहां पर बोर्ड बैठक होगी, बैंक्स के इतिहास में यह पहली बार इस तरह का डिविडेंड जारी होगा। साथ ही नतीजे कल निफ्टी स्पेस में HDFC बैंक के आएंगे,
एफएनओ स्पेस में अमरा राजा बैटरीज अपने नतीजे पेश करेंगे। कैश में अवंती फीड्स, फ्यूचर लाइफस्टाइल जैसी कंपनियां अपने नतीजे कल ही के दिन पेश करेंगी। और अंत में सोमवार की बात कर लेते हैं, त्रिवेणी इंजीनियरिंग का बायबैक इसी दिन खुलने जा रहा है। साथ ही यहां पर एसआर स्टील इंसॉल्वेंसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। नतीजों के लिहाज से निफ्टी में कोटक महिंद्रा बैंक, एफएनओ में यूनाइटेड स्पिरिट्स, टीवीएस मोटर्स, जस्ट डायल जैसी कंपनियां नतीजे पेश करेंगी। और कैश में ओबीसी, कैनफिन होम्स, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, जीएसके फार्मा, तमाम कंपनियों के नतीजे आते हुए दिखेंगे। चलिए, तो रिजल्ट्स हैवी डे फिर से रहने वाला है। रिजल्ट्स आए भी हैं और उसमें से एक स्टॉक तो कहीं ना कहीं फोकस में, कोटक महिंद्रा बैंक अपनी जगह ठीक है। आप देखते हैं यहाँ पर सोमवार को क्या इसके लिए निकलता है। लेकिन आज आरबीएल बैंक का दिन नहीं, और जिस तरीके के नतीजे दिखाए उसके बाद एकदम से गोता लगा गया। अब नतीजे पहले टेक में देखने तो लग रहे थे बिल्कुल ठीक, लेकिन उसके बाद जैसे ही मैनेजमेंट ने बोलना शुरू किया तो स्टॉक गिरना शुरू हुआ। 13% के आसपास की गिरावट इस समय देखने को मिल रही है। थोड़ी देर में पूजा बताएंगे कि आरबीएल बैंक में ऐसा क्या बिगड़ा और मैनेजमेंट ने ऐसा क्या बोल दिया कि स्टॉक में इतनी भारी भरकम बिकवाली देखने को मिल रही है। लेकिन अब मुनाफा देखिए, उसकी फिगर बढ़ी, हमारे अनुमान से बेहतर था, और साथ साथ एनआई की फिगर यहाँ पर भी 817 करोड़ के आसपास की फिगर आती हुई नजर आई। मैनेजमेंट की कमेंट्री बेहद खराब और उसका विश्लेषण पूजा भी थोड़ी देर में कर देंगी। लेकिन कुणाल जी, जिस तरीके से टूटा आरबीएल बैंक, नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट बताइए। 507 के लेवल पे तो पहुंच गया, बहुत ज्यादा बिकवाली सर पोस्ट रिजल्ट्स देखने को मिल रही है। देखिए, बहुत बड़ी गिरावट आते हुए नजर आ रही है रजत, और जब कभी देखिए इस तरह का एक बहुत बड़ा बार बनता है किसी भी स्टॉक में, कभी किसी खबर के चलते या कोई न्यूज इस तरह की आती है, तो आप देखते हैं कि उतनी स्विफ्ट रिकवरी होती नहीं है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में भी आपको और गिरावट गहराते हुए दिखेगी। 480 रुपए के आसपास एक बड़ा सपोर्ट चार्ट पर है, 505 का भाव है, तो हो सकता है यहां से 3-4% की गिरावट और आ जाए। 480 के बाद भी मुझे लगता है कि खरीदना नहीं चाहिए, इन स्तरों पर बिल्कुल अवॉइड करें, बिल्कुल फॉलिंग नाइफ को पकड़ने का प्रयास ना करें, स्टॉक और नीचे जा सकता है। तो 480 से पहले खरीदारी की बिल्कुल भी ना सोचें। तो बिकवाली अभी है और बिकवाली और बढ़ सकती है। बिल्कुल बिकवाली बढ़ सकती है। एक और स्टॉक में कौन सा है वो, एनी गेसेस? बिल्कुल बजाइए, बीटीएस डबल टी का वागले जी बताएंगे मुझे क्या पता। वागले जी का नाम जैसे आ जा रहा है ना, मैं तो एक्साइट देखता चले जा रहा हूं। ओ, क्या हो गया? 187 ये लगातार टूटता चला जा रहा है, लेकिन इस बार नया बिल्कुल वागले साहब के लिए। ये तो पक्का ही है कि कुछ ना कुछ बेचेंगे, अब तो वो तो पूछने की बात ही नहीं है। वागले साहब बताइए, किसे बेचने वाले हैं? अनिल जी, बेच के चलना है वो तो जाहिर है, स्टॉक है अडानी पोर्ट्स। ये स्टॉक अभी सिर्फ 2% के नीचे डाउन है, और अभी हमको ये स्टॉक ढूंढने पड़ेंगे जो अभी अभी फॉल चालू हुई है, ना कि ऐसे स्टॉक जो 5-6-7-8% डाउन है जो मॉर्निंग से। तो ये इसमें अभी 2% डाउन है, 405-450 का भाव है, 407.50 का स्टॉप लॉस होगा, मेरा 390 का टारगेट होगा मार्केट का माहौल देख के, और ये मंडे को आ जाना चाहिए। वागले साहब, ये एक चीज बताइए, आपके दिल में जरा भी रहम नहीं, दया वाली बात नहीं है? नहीं, मेरे दिल में सेम प्रश्न था। हाँ? ये आपने कैसे जान लिया? ऐसे सिर्फ 2% डाउन है, कैसे बोलते हैं आप सिर्फ 2%? अनिल जी, आपके साथ मेरी एक डिस्कशन हमारा एक हुआ है कि ऐसे माहौल में पैसे कमाने में मजा नहीं आता है। बेच के जो 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 तेजी में कमाते हैं क्लाइंट, उसमें जो मजा आता है वो मंदी में आता नहीं है। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, बाकी मेरे को मेरा काम करना है तो मुझे कोई चॉइस नहीं है, जो आप मुझे दिखता है वो मुझे बेचना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, ठीक बात है, शॉर्ट कॉल आ रहे हैं तो आ ही रहे, क्या कर सकते हैं, और आ रहे हैं वो सही भी आ रहे हैं, गलत थोड़ी आ रहे हैं। आज इतने सारे शॉर्ट कॉल या ऑलमोस्ट सारे शॉर्ट कॉल्स में टारगेट्स हासिल होते हुए नजर आएंगे, वो मैं अपडेट थोड़ी देर में लूंगा। एक बार टारगेट स्टॉप लॉस दोबारा, टारगेट 390 का है, 407.50 का स्टॉप लॉस है, फ्यूचर्स का ये लेवल है, और 406 प्रश करना है शॉर्ट। जैन साहब भी आ गए, जयपुर वाले जैन साहब, कुछ पैसे बचे हैं आपके पास तो कहाँ लगाएंगे बताइए। देखिए अनिल जी, सवाल जबरदस्त पूछा आपने, पैसे वैसे तो देखिए ऐसा है कि जिस तरीके का आज एक क्रैक आया है, इनफैक्ट एक मार्केट ने उम्मीद बनाई भी थी कि कोई ना कोई मलहम जरूर से फाइनेंस मिनिस्ट्री लगाएगी और कंपार्टमेंटलाइज कर देंगे कि एओपीज और जो ट्रस्ट है बाहर वाले वो लोगों को कुछ वो कर दें, बट वैसा कुछ आया नहीं, और एकदम क्लैरिटी के साथ कहते हैं कि हम लोग कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं करेंगे। तो उसका एक बहुत बड़ी मार, जो इनफैक्ट 5-6 तारीख के बाद जो मंडे आया था, 8 तारीख को जो एक क्रैक आया था, वैसा ही क्रैक सिमिलर ही आज है। तो मेरे हिसाब से तो देखिए, जिस तरीके से ये अपने सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे आया है, अब कहीं ना कहीं यहाँ से हो सकता है कि 100-200 पॉइंट और भी आराम से निफ्टी जा सकता है, और जो बड़े स्टॉक्स है, जो मजबूत स्टॉक्स थे, वहाँ पे भी एक क्रैक देखने को मिल रहा है। और अब रिजल्ट्स देखना बाकी है। अब देखिए, आज रिलायंस का दिग्गज का रिजल्ट है, और भी बड़े आई थिंक एचडीएफसी बैंक का भी शायद रिजल्ट है, तो ये सारे
आने वाले रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड करेगा, बट ग्लोबल क्यूज आज पॉजिटिव होते हुए भी जब मार्केट नेगेटिव है तो थोड़ा तो इनफैक्ट पैनिक करने का टाइम है और काफी कॉशियस रहने का टाइम है. तो काफी सावधान रहने का वक्त है, थोड़ा रुक जाएं, जल्दी ना करें पैसा लगाने की. राइट राइट. लेकिन पूजा, अभी थोड़ी देर पहले जो मैं बोल रहा था कि ये आरबीएल बैंक के जिस तरीके की नतीजे और वो स्टॉक वन वे ट्रैक पे टूट रहे, वो हुआ क्या, मैनेजमेंट ने ऐसा क्या बोल दिया? लेकिन आज स्पेशली सुबह 7 बजे जनरली मैं जब फोन करता हूँ संदीप के लिंक के बाद, संदीप जब ग्लोबल मार्केट्स का हाल बताते हैं तो मुझे दो सवाल ही पूछे जाते हैं. एक तो पहला ये होता है कि मार्केट कैसा लग रहा है, फिर कोई सेक्टर है क्या, संदीप यही होता है ना. तो आज मैंने कहा सेक्टर मत पूछो, आज मुझे रिजल्ट पूछ लो, क्योंकि आज रिजल्ट का इंटरेस्टिंग दिन है. तो इसलिए तो बोले, क्योंकि मैंने कहा मैंने आरबीएल बैंक पे बात करनी है. मैंने कहा आरबीएल बैंक ने, अगर पिछली बार आरबीएल बैंक पे मुझे याद है रिजल्ट पे मैंने शॉर्ट कॉल दिया था और पिछली बार भी रिजल्ट पे बहुत गंदा गिरा था. और इस बार मैं इसलिए आज सुबह ये बोला कि पूरे संभावना है कि ये कॉरपोरेट अकाउंट्स को लेकर परेशान हो सकते हैं, वॉच लिस्ट डाल सकते हैं, वो आ गया तो इस स्टॉक को कोई बचा नहीं पाएगा. आज सुबह हम ये बात कर रहे थे. तो पूजा बता दीजिए डिटेल में हुआ क्या है. जी, और नतीजों में भी जब हम कल अनुमान बता रहे थे तो उसमें भी एक कहा था कि नतीजों में कोई दिक्कत नहीं होगी इस तिमाही में, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर हैं, हमने आपको एनबीएफसी और इंफ्रा में एक्सपोजर भी बताया था, तो वहां पर कुछ दिक्कतें मिल सकती हैं. और देखिए वैसा ही हुआ है. बैंक की जो कॉमेंट्री आई है, मैनेजमेंट की जो कॉमेंट्री आई है, वो इस बार अच्छी नहीं है, क्योंकि नतीजों में तो कोई दिक्कत इस बार दिखाई नहीं दी, लेकिन कॉमेंट्री के बाद देखिए शेयर में 13% की गिरावट आ चुकी है. इसमें पहला तो यही है कि उनका कहना है कि अगले एक साल में ही जो ग्रॉस एनपीए है वो काफी ज्यादा यहां पर बढ़ने की उम्मीद है. 2.25% से ये जो आंकड़ा है, ये 2.5% के बीच रह सकता है. इस वक्त ये जो आंकड़ा है 1.38% के आसपास है, तो यहां पर एक करीब करीब 1% की बढ़त देखी जा सकती है, तो वो एक बड़ा कंसर्न है. प्रोविजनिंग बैंक ने कहा उनको आगे और करनी पड़ सकती है, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि आने वाले समय में मुनाफे में भी असर पड़ेगा. 2-3 कॉर्पोरेट अकाउंट्स को लेकर बैंक ने चिंता जाहिर की है, और इसके अलावा ये भी कहना है कि वो 2-3 अकाउंट स्लिपेजेस हो सकते हैं और वो एनपीए में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, जिसके सामने उनको ये प्रोविजनिंग करनी पड़ सकती है. चौथा ये कि एनबीएफसीज में बैंक का एक्सपोजर है, करीब 4.9% का एक्सपोजर बैंक का एनबीएफसी में भी है, और हमने कल अनुमान में भी आपको बताया था कि इसमें कुछ दिक्कतें हो सकती है, और कॉमेंट्री में भी फिर बैंक ने यही कहा कि जो लिक्विडिटी नकदी की समस्या थी इस पूरे सेक्टर में, उसका असर देखा गया है एनबीएफसी स्पेस में, और आरबीआई बैंक का भी एक्सपोजर है तो उनके बुक्स पे भी काफी ज्यादा असर दिखाई दिया. तो ये कुछ 4-5 फैक्टर्स थे जो निकल कर आए, इसकी वजह से हम देख रहे हैं कमेंट्री पॉजिटिव ना होने की वजह से आरबीएल बैंक इतना ज्यादा टूट चुका है. तो क्या ये समझा जाए पूजा कि अगले 1-2 क्वार्टर में रिजल्ट खराब ही आएंगे? अगले खराब ही आएंगे. मैनेजमेंट ने खुद ही कह दिया है कि ग्रॉस एनपीए 2.5% हो सकता है, प्रोविजनिंग बढ़ी हुई होगी, तो खराब ही है. 2.5% यस बैंक का, कल यस बैंक का 5% था जी, यस बैंक का ग्रॉस एनपीए 5% आया ना कल. ओके, अभी तो आधा है येस बैंक से. नहीं, मैं अगर पूछ सकूं येस बैंक कैसे जोड़ रहे हैं इससे, 5% वाला नंबर कैसे जोड़ ना, ये सारे ब्लू आइड स्टॉक्स है ना एकदम, मतलब आज सुबह अविनाश जी बैठे थे वो यही कह रहे थे कि इन स्टॉक्स में सब लोग ये मानते हैं, कई बार आप ये सोचते हो ना 40-50% की सालाना जो ग्रोथ आती है वो कैसे आती है, वो समझ में नहीं आता एक्चुअली. करेक्ट. तो फिर जहाँ ग्रोथ आपको तगड़ी मिल रही है हर साल, उसके आपको वैल्यूशंस मिल रहे हैं, उसके बाद अगर आपके एसेट क्वालिटी पे सवाल आता है तो फिर है ना, खाली वो एसेट क्वालिटी 2-3-5% वाला मामला नहीं है. वो 5% वाले मामले के साथ ये आता है कि क्या आपकी ग्रोथ इसी तरह से आ रही थी क्या. राइट. सवाल वहाँ आ जाता है कि ग्रोथ ऐसे ही आ रही थी, अगर फिर ग्रोथ ऐसे आ रही तो आपको वो मल्टीपल नहीं मिलेंगे जो अब तक मिल रहे हैं, वो वैल्यूएशन नहीं मिलेंगे, ये सबसे बड़ी समस्या. अच्छा, अगर मैं ऐसे सही समझ रहा हूँ लेकिन आपने पकड़ा एकदम सही था वो सेंटेंस. अगर मैं सही समझ रहा हूँ, मैं थोड़ा इसे रिलायंस से जोड़ूंगा. ये अर्निंग्स एक जगह है, क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स एक जगह है. एग्जाम्पल, अच्छा आता था रिलायंस का एक समय आता था, लेकिन उसमें अन्य आय जुड़ के आती थी ज्यादा, तो उस समय भी एनालिस्ट यही बोलते थे कि अर्निंग्स तो है, क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स नहीं है. ट्रेजरी का जो पैसा काफी वो बनाते थे कि रिलायंस की कैपेसिटी है बोरो करने की, सस्ता खरीद बोरो करेंगे और वापस लेंड करेंगे, और उसमें वो बीच का स्प्रेड जो बनता था जो टिपिकली बैंक बनाते हैं, वैसा रिलायंस काफी स्ट्रांगली और अच्छे तरीके से बना. ये बात सही है, कोर अर्निंग जो है वो थोड़ा सा देखने लगे. मैं आपसे रिलायंस पर भी पूछूंगा, लेकिन उससे पहले आरबीएल बैंक जरा इस पर एक बार राय ले ली जाए. कुणाल जी बताइए, अब इसके लिए लेवल्स क्या है, हमें क्या करना चाहिए?
अनिल जी देखिए, अभी चर्चा जब हम कर रहे थे आरबीएल बैंक की, मैंने ये कहा था कि इसमें 480 रुपए के आसपास मुझे चार्ट पे एक सपोर्ट नजर आता है, लेकिन जब कभी आप किसी भी स्टॉक का इतिहास उठा के देखें जिसमें कभी एक इस तरह का वन वे वन ऑफ ब्रेकडाउन देखने को मिलता है जहां 12-13% स्टॉक एक दिन में गिर जाए, तो उसमें रिकवरी कभी भी बहुत जल्द नहीं आती है। तो इस स्टॉक में भी बहुत वक्त लगेगा वो लेवल्स आने में जो हमने कल देखे थे। तो मुझे लगता है कि जो लोग भी इस उम्मीद में बैठे हैं कि रिकवरी आएगी और फिर वो निकल जाएंगे, उनको एक बार के लिए निकलना होगा, क्योंकि इस स्टॉक में और नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सपोर्ट जो है वो 480 से 470 के रीजन में है, तो यहां से भी 30-40 रुपए की गिरावट की गुंजाइश है। इन स्तरों पर मेरी बेचने की भी राय नहीं है, लेकिन एग्जिट करना पड़ेगा किसी भी मौजूदा स्तरों पर भी, और कोई उछाल आए तो उसमें। राइट, लेकिन एक बिगुल बजाते हैं, चार्ट कॉर्नर का ये बिगुल है, उसके बाद कॉल आ रही है दिल्ली से राकेश जी और कुणाल जी की। बताइए सर। अनिल जी, बिकवाली की राय है बाटा पर, जिसपे सुबह शायद बागले जी ने भी कॉल दिया था, उसके बाद किरण यादव जी ने भी बेचने की राय दी थी। बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकडाउन, अनिल जी नेकलाइन टूट चुकी है, और जैसे आप बोलते हैं वैसे बोलो तो ये शेयर तो अनिल जी गयो, अब इसमें एक बड़ा डिक्लाइन देखने को मिलेगा, और जिस तरीके का मार्केट है एक डाउन साइड मोमेंटम के लिए ये शेयर तैयार है अनिल जी, तो पहले मैं आप पर आता हूँ, ओवर टू कुणाल जी। देखिए, एक क्लियर ब्रेकडाउन है यहाँ पर, एक पैटर्न बना है अनिल जी इसके, अगर आप वीकली चार्ट्स को उठा करके देखें तो इसमें एक डबल टॉप पैटर्न बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट दिखाई देता है, और एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन बाटा में आता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा था, लेकिन जिस तरह का स्ट्रक्चर है, आरएसआई डाइवर्जेंस ऊपर के लेवल्स पर है, ये स्टॉक कम से कम यहां से 60 से 70 रुपए की गिरावट शॉर्ट टर्म में और 100-125 रुपए की गिरावट थोड़े से मीडियम टर्म में दिखा सकता है, तो बाटा को शॉर्ट करने की राय है। यहां पर 1314 रुपए पर एक स्टॉप लॉस रखना है 1314 पर, 1250 रुपया पहला टारगेट और 1220 रुपए के दूसरे टारगेट के लिए शॉर्ट करें बाटा। आज वागले जी की सेल कॉल, किरण जी की सेल कॉल, और उसके बाद राकेश जी और कुणाल जी का चार्ट कॉर्नर, बाटा भी बिकवाली की सलाह, और वो तो कह रहे थे 1307 गया तो उसके बाद तो रुकेगा नहीं, वन वे ट्रैक पर टूटेगा, और बिल्कुल वही हुआ, वन वे ट्रैक पर टूट भी रहा है। अगले साहब, जो आपने जो टारगेट्स दिए थे वो बताइए, और इनफैक्ट आप बुक कर लें मुनाफा आपकी ओर से, या फिर जो अभी पोजिशनल कॉल दी गई है बाटा पे, और अब जो टारगेट्स है 1250 तक के देखने को मिल सकते हैं, 12-20 भी है एक और टारगेट जो कुणाल जी बोल रहे हैं आ सकता है स्टॉक पे। रजत, मुझे याद है किरण ने ये बोला था कि 1305 के नीचे ये बड़ा ब्रेकडाउन है, और मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूँ। मुझे लगता है ये 1250-1240 तक यही मुंह में आना चाहिए जो अगले एक से दो दिन, मतलब मंगलवार तक आने चाहिए। 1282 पे अगर किसी का डे ट्रेडिंग का व्यू है तो ही बुक करे, थोड़ा सा भी पोजिशनल व्यू है तो यहाँ पर और बेचे, या मैं ये कहूँगा 1280-1290 छोटी मोटी एक 7-8 रुपए की बाउंस बैक आ सकती है, वहां पे बेचे। 1305 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और 1240 का टारगेट होगा, मेरे लिए एक फ्रेश ट्रेड सेटअप अभी भी है। चलिए, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक खबरें कहां पर आई और उनका रिएक्शन क्या देखने को मिला? मेरा भी 2000 आने की तैयारी में, पहले से दिवांशी से एक ये स्टॉक्स एंड न्यूज़, बिल्कुल आराम से बताने की, जल्दी नहीं है, दिवांशी मौजूद है न्यूज रूम में, तो दिवांशी बताएं कौन से स्टॉक्स पे कौन सी खबरें आज। आज सबसे पहले नतीजों की बात कर लेते हैं, बंधन बैंक, यहाँ पे भी जो नतीजे आए थे वो बेहतर आते हुए दिखे हैं, जो मुनाफा है वो करीब 45% बढ़ता हुआ दिखा, इस बार 480 करोड़ से बढ़कर 700 करोड़ पर आया है, और साथ ही जो उनकी नेट इंटरेस्ट इनकम है वहाँ पे 36% की बढ़त इस बार देखने को मिली है 1410 करोड़ पे। साथ ही जो एसेट क्वालिटी है वो काफ़ी स्थिर रही है, इस तिमाही में ग्रॉस एनपीएस जो है वो 2.04% से घटकर 2.02% पर आते हुए दिखे, 2 बेसिस पॉइंट घटे, और जो नेट एनपीएस है वो 0.58% से घटकर 0.56%, तो यहाँ पे भी करीब 2 बेसिस पॉइंट जो एनपीएस हैं वो थोड़े से घटते हुए दिखे हैं, और जो मार्जिन है वो भी 10.5% से बढ़कर 10.45% पर आते हुए दिखे, तो इन ऑल जो मार्जिन है वो भी काफ़ी स्टेबल आते हुए दिखे, एसेट क्वालिटी स्टेबल थी, और जो मुनाफा है और नेट इंटरेस्ट इनकम वो बढ़ती हुई दिखी थी, तो जो नतीजे हैं वो काफ़ी बेहतर है। धनुका एग्री, मुनाफा 16 करोड़ से घटकर 15 करोड़ पर आता हुआ दिखा, आय भी 213 करोड़ से बढ़कर 220 करोड़ पर आती हुई दिखी, मिले जुले नंबर्स हैं, मार्जिन थोड़े से बेहतर आते हुए दिखे, लेकिन इसके बावजूद जो मुनाफा है वो थोड़ा सा घटता हुआ दिखा था, क्योंकि अन्य आय 8.5 करोड़ से घटकर 4 करोड़ पर आती हुई दिखी है। साथ ही एलएनटी कंपनी को पश्चिम बंगाल से डीवीसी दामोदर वैली कंपनी से एक ऑर्डर मिला है 5000 करोड़ से लेकर 7000 करोड़ के बीच में, ये बड़ा ऑर्डर है। कैडिला हेल्थ
दो खबर हैं। सबसे पहले कंपनी की जो बद्दी यूनिट है उसको यूएस एफटीए से क्लीन चिट मिलती हुई दिखी, जो जांच हुई थी ये पूरी होती हुई दिखी थी और 15 जुलाई को ये जांच हुई थी जिसके बाद क्लीन चिट मिलती हुई दिखी, पॉजिटिव खबर। और साथ ही जाइडस को भी यूएस एफटीए से एक दवा के लिए मंजूरी मिली है, ये दिमागी संतुलन के लिए जो दवा है उसको मंजूरी मिलती हुई दिखी है। अब देखिए डॉक्टर रेड्डी यहाँ पे भी यूएस में कंपनी ने एक दवा लॉन्च की है और ये जो दवा है वो एलर्जी की है, जेनरिक दवा है। माना यह जा रहा है कि अगले साल तक 12 महीने में करीब $44 मिलियन की बिक्री इस दवाई से आती हुई दिख सकती है। बड़े सौदों पर नजर कर लेते हैं, आज बायोकॉन फोकस में है, करीब 1% की इक्विटी पर बड़े सौदे होते हुए दिखे, 262 रुपये से लेकर 263 करोड़ के बीच, 262 से लेकर 263 के बीच में। और साथ ही SBI यहाँ पे भी बड़े सौदे हुए हैं, 27 लाख शेयरों के दो बड़े सौदे हुए हैं, 363 रुपीज प्रति शेयर पर। और IDFC फर्स्ट 10.5 लाख के सौदे हुए हैं, 40.50 रुपये प्रति शेयर पर। ब्लॉक डील्स का दिन है, IDFC फर्स्ट, SBI, बायोकॉन, इन तमाम में आज के सत्र में ब्लॉक डील्स होती हैं। बायोकॉन में तो एक खबर बड़ी इंटरेस्टिंग आ रही है जिसकी वजह से ये गिरा है। मैं सोच भी रहा था कि इसको कल के 2000 में दूं, लेकिन 8-9% गिरा, उसके बाद मुझे वागले साहब की जरूरत पड़ेगी। वागले साहब, पहले अगर आपको लगता है 2000 के लायक देने लायक है तो फिर मुझे बताएं तो मैं बिल्कुल भेजवाता हूँ, नहीं तो फिर नहीं। बायोकॉन क्या यहाँ से भी और शॉर्ट किया जा सकता है इसको? अनिल जी नहीं, मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, आपकी सोच सही है। हाँ। क्योंकि गिरेगा, लोगों के हाथ में नहीं आएगा तो अवॉइड करें। एक्चुअली हमारी रिसर्च टीम पूरी आपको डिटेल में बताएगी। एक कोई दवा अमेरिका में लॉन्च होने वाली थी जो बायोकॉन पहले लॉन्च करने वाली थी और वो बायोकॉन की बजाय किसी और कंपनी ने लॉन्च कर दी, इससे बायोकॉन को बड़ा फायदा होना था, तो उसके लिए PE मल्टीपल भी जो बायोकॉन को मिल रहे थे उसी वजह से मिल रहे थे और मुनाफा भी बड़ा आने वाला था। तो कह रहे हैं कि बायोकॉन के टारगेट्स मंडे को FIs के 20-20% नीचे के आ सकते हैं, ऐसी बातें चल रही है। ये बहुत बड़ा झटका है बायोकॉन के लिए, जरा संभालिएगा। इसलिए 8% तो ऑलरेडी, हाँ, मैं भी 8% नीचे गिरने के बाद मैंने कहा कि 8% गिरा, लेकिन एक चीज़ क्लियर है, 8% गिरा हुआ तो बिल्कुल भी इस गलतफहमी में ना रहे कि मुझे खरीदना है, खरीदना तो बिल्कुल भी नहीं है। वागले साहब, किस लेवल पे बेचना है ये बताइए, कितना ऊपर आ जाए तो बेच देंगे आप? हालांकि आएगा नहीं वो मुझे पता है, लेकिन फिर भी मेरा पूछने का फर्ज है आपसे। अनिल जी मैं तो बेचूंगा 245-248 के लेवल्स पे, ये एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन्स है और यहाँ पे रिटेल निवेशक ट्रैप हो सकते हैं, मुझे वो डर है। तो मैं बेचूंगा 245-248, मेरा स्टॉप लॉस होगा 253 का, और जब ये 241-239 तोड़ेगा तो ये 210 तक जा सकता है, मेरा व्यू तो बहुत ही बेरिश है। चलिए, और बंधन बैंक, इसके भी नतीजे हैं। चलिए, कुछ ऐसा बैंक जहां पर अब मुनाफा हमारे अनुमान से बेहतर है, एनपीए क्वालिटी भी 2% के आसपास, ग्रॉस एनपीए अभी भी बरकरार है, तो उसका नतीजा ये कि लोअर एंड से कुछ खरीदारी तो देखने को मिल रही है। आरबीएल बैंक के बिल्कुल विपरीत होगी स्थिति, अब 534 के लेवल पे है। सचिन जी, ठीक है स्ट्रक्चर या फिर थोड़ा नीचे मिल जाए तो कौन से लेवल पे खरीदें? देखिए, स्ट्रक्चर तो आई थिंक थोड़ा सा साइडवेज ही है, इनफैक्ट आज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि इसके क्लोजिंग 520-525 के ऊपर सस्टेन हो रही है कि नहीं। अगर ये पर्टिकुलर क्लोजिंग एस्टैब्लिश हो जाती है तो आई थिंक एक अच्छा रिबाउंड आ सकता है अराउंड 560 तक का, तो आई थिंक एक आउट परफॉर्मर रह सकता है। बट आई थिंक क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, अगर 525 के नीचे स्लिप हो जाता है स्टॉक तो मुझे लग रहा है वापस एक बार 485-490 इस पर्टिकुलर लेवल्स के और वो ड्रिफ्ट हो जाए, तो आई थिंक क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। अगर किसी के पास है तो आई थिंक क्लोजिंग बेसिस पे 525 का स्टॉप लॉस जरूर रखिए। चलिए, लेकिन फोकस पर रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो इसलिए क्योंकि बाजार बंद होने के बाद नतीजे आएंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के, कैसे रह सकते हैं नतीजे और क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको नोट करनी चाहिए नतीजों में, वो बताने के लिए संदीप मौजूद है। संदीप बताएं, गिरावट है जैसे हमने सोचा था बिल्कुल वैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज में, कोई बहुत बड़ी चाल नहीं बनी रिजल्ट से पहले और नंबर्स में कुछ खास उम्मीद है भी नहीं। हमारा अनुमान है कि आय भले ही आपको कंसोलिडेटेड बेसिस पे क्वार्टर क्वार्टर करीब 5.6% बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि रिफाइनिंग जो कि सबसे बड़ा सेगमेंट है, पिछले क्वार्टर यानी कि Q4 में इन्होंने शटडाउन लिया था, वो इस क्वार्टर में रिस्टोर हो गया तो रिफाइनिंग के वॉल्यूम बढ़ जाएंगे, और चूंकि 9% के आसपास क्रूड भी बड़ा औसत कीमतें तो हो सकता है कि $8.2 के जो GRMs थे वो भी बढ़कर $8.5 तक आ सकते हैं, तो यहाँ पे तो अच्छी नंबर्स की उम्मीद है। रिटेल सेगमेंट काफ़ी क्वार्टर से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इस बार भी कामकाजी मुनाफा हो सकता है 5% बढ़ता हो दिखे, लेकिन दिक्कत की बात है पेटकेम, ये भी बड़ा सेगमेंट है, 20% से ज़्यादा आय का हिस्सा यहीं से आता है, और दूसरा है इनका जो जियो का कारोबार, पेटकेम के वॉल्यूम बढ़ेंगे लेकिन मार्जिन जो कि दोनों सेगमेंट में कमजोरी आएगी, तो उस वजह से इनके जो मार्जिन है वो घटकर 18% के नीचे आते हुए दिखेंगे इस बार। और जियो की दिक्कत ये है, इन्होंने अपने जो टावर और फाइबर एसेट्स इनविट में ट्रांसफर किए थे उसका जो अकाउंटिंग इम्पैक्ट है वो इस क्वार्टर में देखने को मिलेगा, इनका जो अबिड्डा है कामकाजी मुनाफा उसमें तो
इस बार बड़ा डेंट देखने को मिल सकता है। और दूसरी बात, इनके आरपूस जो 126 रुपए के थे वो घटकर हो सकता है कि शायद 124 रुपए के आसपास भी आ जाएं। तो जियो का इंपैक्ट और उसके साथ साथ जो पेटकम में कमजोरी आएगी वो कहीं ना कहीं रिफाइनिंग और उसके साथ साथ जो रिटेल का अच्छा परफॉर्मेंस है उसको निगेट करती हुई दिखेगी। कामकाजी मुनाफा 4.5% गिरेगा और जो मुनाफा है उसमें करीब 7.5% के आसपास के ड्रॉप आते हुए दिखेंगे। 10,000 करोड़ के ऊपर के नंबर्स 2-3 तिमाही से ही पोस्ट कर रहे हैं, इस बार हो सकता है 10,000 करोड़ के नीचे मुनाफा आ जाए। 9,662 करोड़ का नंबर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चलिए 9,662 करोड़ ये आंकड़ा रह सकता है, यानी कि करीब करीब 7.5% के गिरावट मुनाफे में देखने को मिल सकती है। इस पर बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। शुक्रिया संदीप, लेकिन उससे पहले एक बिगुल बजाने का समय और वागले जी की एक पिक आ रही है, उसके लिए बजाइए बिगुल BTSTT का। लगातार सेल कॉल आ रही है और इधर सचिन जी भी तैयार है। फोटो फिनिश में वागले जी आगे निकले क्या? सचिन जी कुछ रुकना चाहते हैं। अच्छा, सचिन जी रुकना चाहते हैं, तो ठीक है, इंतजार कर रहे हैं। हाँ, फिर ठीक है। मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कि दोनों की पिक सेम निकल जाए। तो चलिए, तो ये है वागले साहब की तरफ से एक BTSTT कॉल। वागले साहब बताइए क्या बेचना है? अनिल जी, मैंने रडार पर मुठूत आया था, लेकिन आई थिंक बात करते करते ऑलरेडी 6-7 रुपये नीचे गया। अभी भी मैं कहता हूँ 602 से 605 ये मेरी बेचने की रेंज है। 612 का स्टॉप लॉस और 575 का टारगेट। एक क्लियर कट ब्रेकडाउन है और हमने मॉर्निंग में मन्नापुरम दिया था, आपने M&M फाइनेंस दिया था और देखो वो स्टॉक्स का क्या असर हो गया। बिल्कुल, मुझे लगता है फॉल की शुरुआत है। ये 3.5-4% डाउन है, मंडे को आपको और 3-4% ये स्टॉक में मिलेंगे। मुठूत 602-603 के आसपास यहाँ पर शॉर्ट करना है। स्टॉप लॉस क्या बताया वागले साहब? थोड़ा सा ऊपर में 612 का स्टॉप लॉस होगा अनिल जी और 575 का टारगेट। मेरे को टेक्निकल तो नहीं पता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ ये 600 के नीचे गया ना तो ये फिर बचेगा नहीं है। जहाँ तक मुझे है ना, एक मैं कर सकता हूँ अनिल जी, 600 के नीचे जाता है तो और बेचिए और फिर 612 का आप स्टॉप लॉस 607 करिए, सेफ होगा वो। अब मैं आपको बताऊँ क्यों, पूछो क्यों? क्यों? तीन बैंक के आपको नाम बताता हूं, ठीक है? एक है DCB, दूसरा है फेडरल और तीसरा है RBL, ठीक है? तीनों बैंक जो साउथ में ज्यादा बिजनेस है इनका, तीनों के रिजल्ट के बाद हालत देखिए। तो बैंक और NBFC में फर्क है, लेकिन इतना भी फर्क नहीं कि मतलब आप थोड़ा कोरिलेशन ना निकाल पाए, करेक्ट? तो सारे बैंक रिजल्ट के बाद ऐसे पिटे हैं, तो मुथूट का भी कोई वैसे ही हाल होने वाला है। ये 600 के नीचे तो इसको कोई बचा ही नहीं सकता, मैं कह रहा हूँ। गया गया 596। क्या बात कर रहे हैं, वन वे ट्रैक पे टूटा वागले जी। देखो आपका तो देखो हथौड़ा है, लेकिन मेरा भी थोड़ा धक्का तो ठीक ही है ऐसे नहीं नहीं नहीं, ये 600 के नीचे बहुत खराब है। 600 के नीचे ये बहुत लंबे समय के बाद जा रहा है और मतलब बहुत ही गंदे तरीके से जाएगा, ये इसको कोई नहीं रोक पाएगा एकदम। तो दबाव है, लेकिन अब एक और बिगुल और वो अच्छा, अब दो बिगुल। हाँ, ना बिगुल रखा ही इसीलिए। अरे पहले पहले सचिन जी की बारी, उसके बाद राकेश जी। इसी में आपको अच्छा फील होना चाहिए रजत, कि रजत के पास अथॉरिटी है। पहले सचिन जी के लिए बिगुल बचो या पहले राकेश जी के लिए? सर पर भर भर के फील द पावर, इसको बोलते हैं भर भर के बेचना। जो आ रहा है, जिसको समय में आ रहा है वो बेचना, ये बात तो सही है। चलिए ठीक है, अब सचिन जी के लिए बिगुल। क्या बेचना है सर बताइए? सर रेमंड्स बेचना है, जो ऑलरेडी एक वीकर ट्रेंड पे है। 680 के आसपास काफ़ी पुट राइटर्स यू नो कॉन्फिडेंट थे, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर लेवल भी आज ब्रीच हो रहा है। जिस तरीके से अभी भी मोमेंटम है, मुझे लग रहा है 665 के टारगेट के लिए यहाँ पर पोजीशन बनानी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 687 का। 687 का स्टॉप लॉस है, टारगेट बोलिए एक बार फिर। 665 बिल्कुल। चार्ट कॉर्नर का कुणाल जी और राकेश जी के लिए। बताएं सर। अनिल जी, ये जो स्टॉक है आज तो कम गिरा है और ये सोमवार का एक्सीडेंट होगा। और स्टॉक है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, यहां पर बिकवाली की राय है। स्टॉक क्लियरली डिस्ट्रीब्यूशन से निकल रहा है और अब एक बड़ी गिरावट के लिए तैयार है। अभी थोड़ी देर पहले ही इसके अंदर एक नेगेटिव क्रॉसओवर लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पे देखने को मिला है और ये स्टॉक 5-6% मौजूदा सरों से गिरने का पोटेंशियल रखता है। यहां पर बिकवाली की राय है। ओवर टू कुणाल जी।
यानी जी देखिए सारे एनबीएफसीज एक एक करके गिर रहे हैं और सब में आप देखिए हम लोगों ने सेल कॉल्स दिए हैं, सब में गिरावट आई है और अब इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की बारी है। स्टॉक में एक पैटर्न बना है जिसको थ्री फॉलिंग मेथड पैटर्न कहते हैं और इसके बन जाने के बाद कम से कम 3 से 5 दिनों की गिरावट स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो मौजूदा स्तरों पर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को बेचने की हमारी राय है। 650 रुपये पर 650 पर एक स्टॉप लॉस रखें, 618 रुपया पहला टारगेट और 609 रुपये का दूसरा टारगेट है। तो 618 और 609 के लिए बेचना है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। 618 और 609 ये दो टारगेट लेकर इसको बेचिए आईवी हाउसिंग फाइनेंस। यहाँ पर दिन के निचले स्तर पर और एनबीएससी में वैसे दिखते हैं, ऐसे में 650 का लगाना होगा एक स्टॉप लॉस, नेगेटिव कॉल बिकवाली। अच्छा, जेएम फाइनेंशियल के रिजल्ट्स आए हैं और यहाँ पर 5% स्टॉक टूटा है, मुनाफा 140 करोड़ से घटकर 130 करोड़ पहुंचा है, तो मुनाफे की फिगर तो है कमजोर, स्टॉक पे फैक्टर इन हो रहा है 5% है ये नीचे। कुणाल जी एक बार खोलिए चार्ट, बताइए क्या लेवल इंपॉर्टेंट है जेएम फाइनेंशियल के लिए। देखिए अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे रजत, सभी फाइनेंशियल स्टॉक्स की पिटाई हो रही है और आज अगर आप स्टॉक का भी चार्ट देखें तो स्टॉक ने एक मेजर सपोर्ट 74 रुपये का एक अहम सपोर्ट था उसको तोड़ दिया था कुछ सत्र पहले और उसके बाद लगातार 74 के नीचे ट्रेड कर रहा था, आज एक ब्रेकडाउन आ रहा है। मुझे लगता है कि एक बार के लिए यहाँ पर आपको 62 रुपये के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, तो खरीदारी की बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। 62 तक मुझे काउंटर नीचे जाता हुआ दिख रहा है। ओके, 62 तक नीचे जाने की तैयारी में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। एक और स्टॉक में जिसमें राकेश जी को सवाल पूछूंगा, राकेश जी इतने खुश हो जाएंगे आप, मैं बता नहीं सकता आपको, और ये सवाल का पूछने का क्रेडिट मैं दूंगा सचिन जी को। सचिन जी ने बोला रेमंड्स बेचने के लिए, मुझे रेमंड से भी खराब एक और स्टॉक लग रहा है अरविंद, कैसे कर लेते हैं आप? राकेश जी ने बहुत बार बोला इसको अरविंद, इसीलिए राकेश जी कुणाल जी दोनों, मतलब मैं तो अरविंद, मतलब मेरे ख्याल से 50 रुपये का टारगेट दिया था राकेश जी, अरविंद का टारगेट 50 रुपये है ना? हाँ अनिल जी, 50 रुपये के नीचे के टारगेट। एक मिनट राकेश जी, अभी समझ लीजिए, पिछली बार आपने बहुत गड़बड़ की थी, ढंग से नहीं बोले थे, अब बोलिए अरविंद के लिए यो तो गयो। ये तो गयो अनिल जी, नहीं नहीं जैन साहब जरा सिखाइए राकेश जी को, जैन साहब बोल के बताएंगे आप। हाँ यो तो गयो, एग्जैक्टली एग्जैक्टली एकदम यही, ये इसमें न सिर्फ शब्द है बल्कि फील भी है, इंसान ने जैसे बोला है। कोई बात नहीं राकेश जी, वीकेंड पे प्रैक्टिस कीजिएगा। ये बताइए 50 रुपये हो रहा है ना अरविंद? बिल्कुल अनिल जी हो रहा है और अब मैं अनिल जी सीख गया, संदीप जी ने बोला तो फील थोड़ा सा ट्रांसफर हुआ है मेरे अंदर, यो तो गयो। चलिए स्टॉप लॉस टारगेट दीजिए अरविंद के। अनिल जी अभी ये स्टॉक दोबारा से एक नए लॉस की तरफ गया है और अब यहाँ पर स्टॉप लॉस 58 रुपये 90 पैसे का लगाना चाहिए और टारगेट वही 50 रुपीज के नीचे के हैं। ओके, 56-57 रुपये के आसपास से 50 के टारगेट, स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए अभी? 58 रुपीज 90 पैसा, 59 रुपीज। ठीक है, तो अरविंद एक और ये कार्बन के नतीजे आए। हाँ बताइए बताइए जल्दी से बताइए, एक बार देखना पड़ेगा नतीजे क्योंकि आइसक्रीम पे भी आने बाकी, लेकिन हाँ अभी फिलिप्स कार्बन के। पर आप कुणाल जी आप देखिए चार्ट और देख के बताइए सर यहाँ पर अभी स्टॉक प्राइस कैसे, अच्छा मुनाफा की फिगर आ गई 98 करोड़ से घटकर 67 करोड़, 67 करोड़ का मुनाफा इस बार फिलिप्स कार्बन ने पोस्ट किया है, तो मुनाफे की फिगर है कम 98 करोड़ के मुकाबले और स्टॉक एकदम से दिन के निचले स्तर पर आया, 116 के लेवल पर पहुंचा है। कुणाल जी बताइए क्या लेवल इंपॉर्टेंट है सर, 115 पे रूल कर रहा अभी? देखिए रजत, सबसे पहले तो एक ओवरहेड रेजिस्टेंस है 118.50 की जो मुझे पार होती दिखती नहीं है, नीचे मुझे लगता है कि 113 जैसे ये स्टॉक तोड़ेगा तो और कमजोर हो जाएगा, तो जिनके पास भी पोजीशन है 113 का एक इवेंचुअल स्टॉप लॉस रखें, इसके नीचे बिल्कुल एग्जिट कर लेना चाहिए, 118.50 जब तक पार ना हो खरीदारी के बारे में ना सोचें। 113 नीचे ना सर, 113 के नीचे एग्जिट 113.50 हो गया, 113 का लेवल 113 के नीचे कमजोर हो जाएगा, मुझे वैसे भी कमजोरी की उम्मीद है रजत, जिस तरह का स्ट्रक्चर है जिस तरह का मोमेंटम अभी पिछले कुछ मिनटों में बना है, 113 अगर ये स्टॉक तोड़ देगा तो फिर आपको इसमें 109 रुपये तक के भी लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं, मेरी राय में जिनके पास भी पोजिशन है 113 का स्टॉप लॉस जरूर रखें। 113 का स्टॉप लॉस लगाकर आप यहाँ कर सकते हैं बिकवाली। फिलिप्स कार्बन ब्लैक के रिजल्ट, कोई रिजल्ट अच्छा ही नहीं देखे, जो आया डाबर के वो भी चलता नहीं है, नहीं नहीं अभी चल रहा है दिन के उच्चतम स्तर पे आ गया, अभी मैं डाबर और कोलगेट देखा था, कोलगेट एकदम से गया 4% टूट गया ऊपरी स्तरों पे, कोलगेट नहीं संभला आज के, कोलगेट के रिजल्ट में इंटरनल स्ट्रेंथ नहीं है। अच्छा इंटरनल स्ट्रेंथ नहीं है, वो सब रिपोर्ट दी भली है लेकिन मज़ा नहीं है उतना, शायद इस वजह से चला नहीं, लेकिन चलिए ये है आपके लिए L&T फाइनेंस, इसके भी नतीजे आने वाले हैं, आशीष जी का फेवरेट स्टॉक और जितना फेवरेट आशु जी का उतना ही फेवरेट बंसल जी का भी है।
बस फर्क है कि दोनों का अलग अलग डायरेक्शन में फेवरेट है। तो चलिए पहले समझ लेते हैं रिजल्ट कैसे आएंगे और उसके बाद पता चलेगा कि हमें स्टॉक का मूव क्या होने वाला है। पूजा बताइए कैसे रहेंगे एलएनटी फाइनेंस के रिजल्ट? जी एलएनटी फाइनेंस से तो काफी कमजोर नंबर्स की उम्मीद की जा रही है। ब्याज से जो आय होगी उसमें भी ज्यादा कुछ बढ़त की उम्मीद हम कर नहीं रहे हैं और मुनाफे में इस बार मामूली 3% की ही बढ़त देखने की उम्मीद है। अन्य आय से भी सपोर्ट नहीं मिलेगा और वहां पर 34% की गिरावट का हमारा अनुमान है। एलएनटी फाइनेंस का कुछ एक्सपोजर देखिए आईएलएफएस खातों में भी हो सकता है तो वहां से कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। इसके अलावा कंपनी का जो बाकी सेगमेंट है जैसे हाउसिंग फाइनेंस है, व्हीकल्स कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है, वहाँ से भी हम देख रहे हैं डिमांड काफ़ी स्लो है तो उधर से भी कुछ अच्छा कंट्रीब्यूशन मिलने की उम्मीद नहीं की जा रही है। और इंफ्रा फाइनेंस भी इस वक्त दिक्कतों से ही निकल रहा है तो इसकी वजह से हम देखेंगे इनका कोई भी सेगमेंट अच्छा परफॉर्म करता हुआ नहीं नज़र आएगा। आईएलएफएस खातों की कॉमेंट्री पर नज़र होगी और इसके अलावा एसेट क्वालिटी में जो इनके एनपीए हैं वो बढ़ सकते हैं, इस बार कुछ दबाव देखने का अनुमान है तो कमज़ोर नंबर्स की उम्मीद हम करें इस बार एलएनटी फाइनेंस से। एलएनटी फाइनेंस के नतीजे तो रह सकते हैं कमज़ोर और अभी फ़िलहाल 111-112 पे कर रहा है ये ट्रेड। तो एक बार राकेश जी आप बताइए कि इसमें लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट सर? 112 ये लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, 112 के लेवल पे कर रहा है ये ट्रेड, क्या रखें स्टॉप लॉस? जिनके पास भी तेज़ी की पोजीशंस हो और जिनके पास मंदी की पोजीशन हो उनके लिए भी लेवल्स बता दीजिए। देखिए रजत काफ़ी ख़राब टेक्निकल रुझान है इस स्टॉक में। कल के सत्र में टूवर्ड्स क्लोजिंग एक मेजर क्रैक देखने को मिला था और ये स्टॉक भी अपने नए लोस की तरफ जा रहा है। टेक्निकली ये स्टॉक 100 रुपीज़ के लेवल को तोड़ने का दमखम रखता है और रजत रिजल्ट के बाद यहाँ की कमेंट्री भी काफ़ी वीक होगी और इनका जो आईएलएनएफएस का एक्सपोजर है उसको लेके भी काफ़ी ये होप्स दिखाएंगे और होप्स जो भी कंपनी होप दिखाती है कमेंट्री के अंदर वहाँ एक पनिशमेंट मिलती है। और रजत मेरी तो बिकवाली की राय है, स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप है, कोई पुल बैक आए तब बेचना चाहिए। 118 एक क्रिटिकल लेवल है, एक्चुअल स्टॉप लॉस 118 रुपये के ऊपर का ही बैठता है। 113-114 के लेवल मिले तो उन स्तरों पर बेचें, 100 रुपीज़ के नीचे के टारगेट्स यहाँ पॉसिबल है। चलिए तो कमज़ोर स्ट्रक्चर नतीजे देखते हैं कैसे पोस्ट करती है एलएनटी फाइनेंस, लेकिन कुछ पुल बैक ट्रेड्स गिरते बाजार में, बाजार तो 160 पॉइंट्स हो गए निफ्टी पे। एक मिनट ये सचिन जी देखिए ओएमसी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां बीपीसीएल एचपीसीएल बहुत बड़ी खरीदारी नहीं है, 1% मामूली खरीदारी है, लेकिन इस हफ्ते प्रदर्शन लेटर हाफ में हफ्ते के एंड में जाते जाते कुछ सुधरने की कोशिश कर रही थी ये स्टॉक्स। नहीं इनफैक्ट मुझे एचपीसीएल का स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट जिस तरीके से क्रूड में एक शार्प यू नो गिरावट हुई थी, लगभग 9% का ड्रॉप हुआ था इस हफ्ते में एंड उसी के यू नो ऑपोजिट ये पर्टिकुलर मूव है तो आई थिंक यहाँ पर काफ़ी अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पर अगर किसी को लॉन्ग पोजिशन बनानी है तो आई थिंक ये एक सेक्टर अच्छा हो सकता है अगले हफ्ते के लिए। 288 के स्टॉप लॉस के साथ आई थिंक यहाँ पर लॉन्ग्स मेंटेन करने चाहिए एंड मुझे लग रहा है वापस एक बार स्टॉक यू नो 302-303 के आसपास स्विंग करेगा तो मुझे लग रहा है यहाँ ये एक बेटर एवेन्यू है जहाँ पर थोड़े से लॉन्ग पोजीशन रखने में कोई हर्ज नहीं है। 288 का स्टॉप लॉस होगा एचपीसीएल में। और आज सरकारी कंपनियों का दिन है, सबसे जो लीड कर रहा है इस समय मार्केट वो है एनटीपीसी, ये निफ्टी को भी लीड कर रहा है आज। हालांकि बाजार में गिरावट हो गई तो पर ये सरकारी कंपनियां आज के सत्र में एक्टिव साबित हुई। एनटीपीसी 130 के लेवल पे पहुंचा है। कुणाल जी आप बताइए 130-140 इस जोन पे मुनाफा वसूली कर लें या अगले हफ्ते भी तेज हो सकता है एनटीपीसी? देखिए मुझे कुछ स्ट्रेंथ बाजार के मुकाबले नज़र आती है यहाँ पर रजत। अगर आप एनटीपीसी की बात करें तो 123 रुपये के आसपास एक सपोर्ट है और उसके बाद एक सपोर्ट 127 रुपये का है जो भी होल्ड कर रहा है तो मुझे लगता है कि एक बार के लिए 135-136 तक का पुलबैक बन सकता है। रिलेटिव आउट परफॉर्मर है और बाजार की गिरावट से इसको कोई खास फर्क नहीं पड़ता है तो इन स्तरों पर मुझे लगता है कि एनटीपीसी में जिनके पास लॉन्ग्स है होल्ड करना चाहिए। 127 का स्टॉप लॉस रखें। ओके 127 का स्टॉप लॉस लगाकर बने रहे हैं एनटीपीसी में, हो सकता है कि मूव और कैरी हो जाए और दिन के उच्चतम स्तर पे तो पहुंचा ही है स्टॉक। लेकिन एक स्टॉक जो दिन के निचले स्तर पे वो है बायोकॉन, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा हो रही थी, वन वे ट्रैक पे टूटा, 1% इक्विटी का सौदा भी हुआ आज के सत्र में। खबर क्या है और यहाँ पर अब आने वाले समय के लिए रुझान क्या रह सकता है इस पर बात करते हैं। पहले तो खबर जान लेते हैं, देवांशी मौजूद हैं, देवांशी बताएं 8-9% एक ही सेशन में क्या हुआ बायोकॉन को? बिल्कुल हम सुबह से देख रहे हैं कि बायोकॉन पर लगातार गिरावट आती हुई दिख रही थी और उसके बाद बड़े सौदे में आपको बता दूं कि यहाँ पे उनकी जो इम्पोर्टेंट दवाई थी ट्रस्टाजुमाब, ये एक ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो दवाई थी वो लॉन्च करने वाली थी कंपनी, दूसरी छमाही में ये कंपनी लॉन्च करने वाली थी और अनुमान यही बन रहा था कि इस दवाई से कंपनी को करीब 3-9 महीने की एक्सक्लूसिव सेल्स मिलने वाली थी और ये काफ़ी हाई मार्जिन प्रोडक्ट बनता हुआ दिख रहा था और काफ़ी समय से एनालिस्ट वेट कर रहे थे कि कब ये दवाई लॉन्च होती हुई दिखेगी। लेकिन अब जिस तरह से खबरें आ रही है दो कंपनी एमजेन और एलार्जन
पीएलसी, ये दोनों कंपनियों ने मिलके ये जो दवाई है वो लॉन्च कर दी है यूएस में। तो इसके चलते जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलने वाला था, ये जो एक्सक्लूसिव सेल्स आने वाले थे बायोकॉन को, वो आते हुए नहीं दिखेंगे। अब मार्जिन भी थोड़े से कम होते हुए दिखेंगे और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि बायोकॉन में इतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अनुमान यही बन रहा था कि जो मार्केट साइज है यूएस में इस ट्रस्टुजुमाब जो दवाई है उसका करीब $300 करोड़ का मार्केट साइज था। पहले अनुमान था कि बायोकॉन को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता हुआ दिख सकता है। साथ ही एनालिस्ट ये एस्टिमेट करके रखे हुए थे कि जो करंट ईयर 19-20 है उसमें अगर आखिरी क्वार्टर में भी अगर ये लॉन्च करती है दवाई तो 30 से 50 मिलियन डॉलर के जो रेवेन्यू है वो इस दवाई से आते हुए दिख सकते हैं। और साथ ही मार्जिन 2 से 3% बढ़ने का अनुमान था। जो करंट ईयर 20 है अगले साल करीब 100 से 200 मिलियन डॉलर यहां से आते हुए दिख सकते थे, तो यही अनुमान लगाया जा रहा था। तो अब जो एस्टिमेट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं रिवाइज होते हुए दिख सकते हैं। री रेटिंग की संभावना भी बनती हुई दिख रही है और इसी के चलते हम देख रहे हैं 8 से 9% की गिरावट बायोकॉन पर बनी हुई है। सर वो दवाई का नाम हमने नहीं बताया, वो ट्रास्टुजुमाब, अभी तो बार-बार बात करते हैं। हाँ, ट्रास्टुजुमाब, और 300 करोड़ यूएस डॉलर का बाजार है। ये इतना बाजार तो मुश्किल है कि मैंने कोशिश ही नहीं की, हमने खूब रटा खैर बैठे ट्रास्टुजुमाब बोलते हैं पे। जब भी लिंक आता था ना सुबह जब हम देते थे तो ट्रास्टुजुमाब आपने फिर बोला था कि बड़ा फोकस है ना स्टॉक पे, अपने टारगेट पे रखो, नाम में फोकस कर दिया। अब दो बायोकॉन के टारगेट में, बायोकॉन वैसे ब्रोकिंग हाउसेस रिपोर्ट से कहेंगे अब सोमवार को, वो तो इंपॉर्टेंट रहेगा ही। इसके साथ साथ सिंजीन, इसका क्या होगा ये भी देखना होगा। सिंजीन हालांकि रिलेटिवली अभी तक तो बेटर है बायोकॉन से अगर आप देखो तो, पर फिर एक बार क्लैरिटी ले लें यहाँ पर कुणाल जी से। कुणाल जी देखिए, बायोकॉन और सिंजीन दोनों चार्ट लगा दीजिए साथ साथ, दोनों ही दिन के निचले स्तर पर हैं। अभी बताइए बायोकॉन और टूटेगा या फिर सिंजीन और टूटेगा, तो रिलेटिवली कहाँ पर जाके रुकेंगे दोनों स्टॉक्स? देखिए स्ट्रक्चर कमज़ोर दिखता है बायोकॉन की अगर पहले बात करें रजत, तो मुझे लगता है कि बायोकॉन में और गिरावट आ सकती है। केवल एक सपोर्ट है 235 रुपये का, ये अगर लेवल टूट गया तो आपको यहाँ पर 210 रुपये तक का लेवल देखने को मिलेगा जिस तरह का स्ट्रक्चर है। ओवरऑल अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर कमज़ोर है, बायोकॉन लगातार बाजार को अंडर परफॉर्म कर रहा है और मुझे लगता है कि 215 रुपये के आसपास इसको बड़ा सपोर्ट हासिल है, तो वहाँ तक जा सकता है। 230 अगर टूटा तो 210 के लेवल आएंगे। और रहा सवाल सिंजीन का, तो इसका चार्ट भी बिल्कुल हुबहू बायोकॉन की तरह ही कमजोर दिखता है। केवल एक सपोर्ट यहां पर है 310 रुपए के आसपास, और जैसे ही 210 रुपए का लेवल टूटा तो यहां पर भी 290 तक का आपको फॉल सिंजीन में भी देखने को मिलेगा। अच्छा, लेकिन रिजल्ट्स जो फोकस में, उसमें एक कंपनी है इंडिगो जिसके नतीजे आने वाले हैं और वो बताने के लिए नतीजे कैसे रह सकते हैं, मेरे साथ कुशल ज्वाइन कर रहे हैं। कुशल बताएं, इंडिगो के नतीजे अच्छे रहेंगे तो मुनाफे की फिगर बता दीजिए, यहां पर क्या एस्टिमेटेड है कि मुनाफा कितना आ सकता है? जी बिल्कुल रजत, नतीजे डेफिनेटली अच्छे रहेंगे। मुनाफे की अगर आप देखें तो उसमें 22% की बढ़त हो सकती है। मुनाफे का फिगर 720 करोड़ कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। वहीं आय फ्रंट पर अगर आप देखें तो उसमें करीब 17% की बढ़त हो सकती है। इनफैक्ट कंपनी का इंटरनेशनल मार्केट में जो उनका मार्केट शेयर है वो 6% से बढ़कर 10% से ज़्यादा भी हो सकता है। और जेट अप्रैल में जो बंद हुआ था उसका सीधा सीधा फायदा कंपनी की आय में भी आता दिखा, क्योंकि उन्होंने उस वक्त जो है किराया भी बढ़ाया था, जिस वजह से जो आय है उसमें बढ़त दिख सकती है। कामकाजी मुनाफा वो भी 27% की बढ़त शो कर सकता है, क्योंकि जो ETF की कीमतें हैं उसमें गिरावट आई है और उससे जो उनका कामकाजी मुनाफा है उसको सहारा मिलेगा। और मार्जिन फ्रंट पर अगर आप देखें तो करीब कंपनी 28.5% की मार्जिन रिपोर्ट कर सकती है 2.5% की बढ़त के साथ। तो बेहतर नतीजे हर लिहाज से इंडिगो के देखने को मिल सकते हैं, और वही है कि ये बाजार की गिरावट में रिलेटिवली अभी तो कर रहा है आउट परफॉर्म 1465। ठीक है, आप जो नतीजे आएंगे वो तो ठीक, लेकिन सचिन जी अभी के हिसाब से आप बता दीजिए लेवल्स अगर तो बेहतर रहेगा, जो कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि जेट जो बंद हुई उसका सीधा फायदा इंडिगो और स्पाइसजेट को मिलेगा, अभी के हिसाब से डेटा क्या बता रहा है? देखिए सोमवार के सत्र में हमने यहाँ पर एक थोड़ा सा पॉजिटिव बायस रखा था स्टॉक में और इन्हें एक उम्मीद की थी कि 1425 के आसपास चले जाए, बट मुझे लग रहा है जिस तरीके से अभी भी डेटा बिल्ड हुआ है मुझे लग रहा है 1500 का एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग हर्डल है। एंड अगर यू नो थोड़े से भी स्लिपेजेस आते हैं, स्टॉक अगर 1445 के नीचे स्लिप हो जाता है तो वापस एक अच्छा ड्रॉप आ सकता है स्टॉक में, 1350 तक वापस एक ये झुकाव आ सकता है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए, बट अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो डेफिनेटली वहाँ पर सामने एक पुट ऐड कर दीजिए 1500 या 1440 का। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, जिस तरीके से पुल बैक है वो पुल बैक भी काफ़ी ग्रेजुअल हुआ है, तो मुझे लग रहा है अगर 1500 लेवल के ऊपर अगर स्टॉक ने कॉन्फिडेंटली क्लोज नहीं दिया तो मुझे लग रहा है यहाँ पर वापस एक बार बिकवाली हो सकती है। TVS मोटर ये भी दिन के निचले स्तर पे 396 यानी कि 400 के लेवल को तोड़ दिया वागले साहब TVS मोटर ने, बताइए नेक्स्ट टारगेट सर? रजत मुझे लगता है ये फॉल अभी
4% जो है बाउंस बैक होगा तो भी 3 से 4 रुपए से ऊपर नहीं होगा, 402 के ऊपर जाना नहीं चाहिए। ऑन द डाउन साइड मेरा 384 का टारगेट होगा जो यहाँ से कम 3 से 4% है, तो होल्ड करें, आपका स्टॉप लॉस 400-401 का होना चाहिए। गिरावट आ रही है वो उन कंपनियों में जिनके सोमवार को नतीजे हैं, टीवीएस मोटर के भी नतीजे हैं वो भी दिन के निचले स्तर पे, और यूएसएल यूनाइटेड स्पिरिट्स ये स्टॉक भी ऊपरी स्तरों पे फिसला और ये भी लगभग लगभग दिन के निचले स्तर पे कर रहा है ट्रेड। पिछले कुछ दिनों में अच्छी तेजी बन गई थी तो पोजीशंस हल्की हो रही है, डेफिनेटली इसमें ओपन इंटरेस्ट में ज्यादा बदलाव नहीं दिखेगा, लेकिन वो बेसिकली सब लोग तेजी की पोजीशन अब कम कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। जिस तरह से वीकली क्लोजिंग आज इतनी खराब हो रही है, तो 11460 तो पिछली बार भी नहीं तोड़ा था, उसके नीचे हम आ गए हैं और उसके नीचे आके टिक रहे आराम से। मतलब ऐसा नहीं कि हमें वापस 11460 को पार करने की जल्दी है, और लास्ट टाइम तो हम 30,250 से घूम गए थे। मुझे याद है ना, मैं जब लंदन से आया था और उतरा था तो वहीं से मैंने कॉल जो दिया था वो 30,225 पे दिया था, तो 30,225 भी हमने वो तोड़ दिया अब तो, राइट। उस समय ये 18 जून की बात है, 18 जून को हमने लो बनाया था बैंक निफ्टी पे 30,200, उससे तो कितना नीचे है, 400 पॉइंट नीचे है। तो अच्छा खासा ब्रेकडाउन निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने दे दिया आज। नहीं पर आपकी स्ट्रैटेजी लेट हो गई है, 250 होने वाले हैं और देखिए देखिए इतनी कॉल्स डिस्कस हो गई है एक के बाद एक के बाद। अच्छा तो 2-3 मिनट और दे दीजिए, क्योंकि अभी स्ट्रैटेजी में ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो मैं बहुत बता पाऊंगा, बट एनीवे दे देता हूँ आज। सेंटीमेंट 2 मिनट दे दीजिए, बिल्कुल डैमेज हुआ है। अच्छा पीएल पिरामल एंटरप्राइजेस, वागले साहब ने बोला था बेच दीजिए इसे 1900। मिनट वागले साहब से सवाल बाद में पूछिए, पहले आप वो क्या बोलते हैं बिगुल बजा दीजिए, टारगेट लग गया था वैसे वागले साहब के लिए, बिगुल बजाइए। ठीक है तो बिल्कुल वागले साहब के पास ही चलते हैं, लेकिन बीटीएसटीडी की कॉल आ रही है। ये गलत है मेरे को। अच्छा वागले साहब कौन सा स्टॉक है सर बताइए, मैंने नाम नहीं लिया अभी तक। रजत आपने ऑलरेडी मेरा कॉल लीक कर दिया। पीएल पे ही था। बिल्कुल बिल्कुल पीएल पे था, इसलिए मैंने रोका आपको, जैसे वागले साहब ने बोला मुझे कॉल देना, मैंने इसलिए रोका। क्लियर कट पैटर्न ब्रेकडाउन है, मुझे मॉर्निंग से ही अच्छा लग रहा है बेचने के लिए। 1890 का भाव है, आपको 1915 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए 1905 का। 1860-1855 तक की डाउन साइड मुझे दिखाई देती है। ओहो 1860-1855 ये है। एक कुणाल जी की भी कॉल आ रही है बीटीएसटीडी की, तो पिनामल एंटरप्राइजेस तो बेचिए 1860-1855 के टारगेट के लिए, 1905 का लगाइए एक स्टॉप लॉस दिन के निचले सिर पे, एक बीटीएसटीडी का बिगुल कुणाल जी के लिए। कुणाल जी कुछ खरीदवा दीजिए सर। देखिए रजत जी, पहले तो जो अभी वागले साहब ने कॉल दी पिरामल एंटरप्राइजेस की, स्टॉक से मेरा विशेष नाता है इसलिए मैं भी उनके साथ हूं पूरी तरह। मुझे लगता है कि पिरामल एंटरप्राइजेस में एक बेरिश फ्लैग का ब्रेकडाउन आता हुआ नजर आ रहा है, तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म में 1800 तक के लेवल जा सकते हैं, तो पूरी तरह से मैं वागले साहब का समर्थन करता हूं। और मेरी अपनी कॉल रजत बिकवाली की है अनफॉर्चुनेटली, और बेचना है मदरसन सुमी, जिसमें कि एक क्लियर ब्रेकडाउन चार्ट्स पर आता हुआ नजर आ रहा है, बहुत बड़ा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन है ये। इस स्टॉक ने 115 रुपये के एक अहम सपोर्ट को तोड़ा है और ये स्टॉक मुझे लगता है कि अब 100 रुपये की तरफ बढ़ रहा है, जिस तरह का स्ट्रक्चर है लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है। बाजार में गिरावट हो तो ये सबसे आगे रहता है गिरने में, और तेजी हो तो बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो ये बिल्कुल लक्षण होते हैं उस स्टॉक के जो कि बड़ी गिरावट दिखाने के लिए तैयार हो रहा है। ऑटो सेक्टर की परेशानियां हम सब जानते हैं, तो मौजूदा स्तरों पर मदरसन को बेचें। यहां पर आपको 113.50 रुपए पर स्टॉप लॉस रखना है, 106 रुपए का पहला और 103 रुपए का दूसरा एंबिशियस टारगेट है, तो 106-103 के टारगेट के लिए मदरसन को शॉर्ट करने की राय। 106-103 ये टारगेट्स, और 1 month 3.5 113.50 के स्टॉप लॉस के साथ मदरसन सुमी को बेचा जा सकता है। तो ये लगातार बिकवाली के सौदे मार्केट्स पे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। अभी 161 पॉइंट नीचे है निफ्टी, लेकिन कल HDFC बैंक के नतीजे आने वाले हैं, कैसे रहेंगे नतीजे बताने के लिए पूजा ज्वाइन कर रही है न्यूज़ रूम से। बताएं पूजा, HDFC बैंक के केस में, अच्छा यहाँ से स्पेशल डिविडेंड की भी तो बात हो रही है। जी स्पेशल डिविडेंड की बात हो रही है, तो ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर है कंपनी के लिए, और HDFC बैंक तो हमेशा की तरह हम देख ही रहे हैं लगातार एक स्टेबल नंबर्स, जो ट्रेंड रहा है बैंक के साथ वैसा ही नंबर्स घोषित करते हुए आ रहे हैं। NII जब से मैं ट्रैक कर रही हूँ तब से ही जो ब्याज से आए हैं वो 23 से 24% के आसपास बरकरार रही है। मुनाफे में भी इस बार करीब 27 से 30% की ग्रोथ देखी जा सकती है, और ग्रॉस NPA का आंकड़ा बिल्कुल स्थिर रहेगा, 1.3% के आसपास ये नंबर्स इस बार देखने को मिल सकते हैं। प्रोविजनिंग में भी ज़्यादा कुछ बढ़त
होगी नहीं। तो कुल मिला के नंबर्स अच्छे ही हैं, स्थिर हैं एचडीएफसी बैंक की तरफ से। हाँ, एक आध पोर्टफोलियो है जो चौथी तिमाही में बैंक ने कह दिया था, अनसिक्योर्ड लोन को लेकर क्या बयान आते हैं बैंक की तरफ से, क्योंकि वहाँ पर कुछ दिक्कतें बैंक को फेस करनी पड़ी थी पिछले क्वार्टर में भी, तो इस बार क्या बयान आते हैं यहाँ पर नज़र रखनी होगी। और एग्री सेगमेंट में इनका हल्का दबाव देखना होगा, लेकिन ये ज़्यादा कुछ बड़े कंसर्न नहीं है क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स अगर हम देखेंगे, इनके लोन ग्रोथ की बात करेंगे और बाकी सारे जो इनके सेगमेंट्स हैं वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए इस बार नज़र आएंगे। तो अच्छे नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं एचडीएफसी बैंक से। नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड, स्पेशल डिविडेंड की अनाउंसमेंट अवेट हो रही है, तो जैन साहब बताइए एचडीएफसी बैंक अभी तक तो ठीक है, स्टेबल है, आपकी क्या उम्मीद है सर और फेयर वैल्यू क्या समझते हैं एचडीएफसी बैंक की? इनफैक्ट ग्रुप कंपनियां चल रही हैं, जबरदस्त परफॉर्मेंस है सर एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी और साथ ही साथ एचडीएफसी एएमसी जैसे स्टॉक्स की। नहीं, सर्टनली देखिए जिस तरीके से एक अभाव हो गई है अच्छे पेपर्स की मार्केट में, अच्छे स्टॉक्स की, और वहां पे बजाज ग्रुप हो या पर्टिकुलरली एचडीएफसी ग्रुप हो, इनके स्टॉक जबरदस्त चल रहे, और एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड ये दोनों पे कन्विक्शन आता है। और एचडीएफसी बैंक देखिए एक बड़ा आउट परफॉर्मर रहा, तो मैं यही कहूंगा कि अब कहीं ना कहीं होल्ड ही रखें और बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अब इनमें अपनाएं, क्योंकि देखिए अगर एफआईआईज लोग कोई भी सेलिंग करते हैं कुछ भी करते हैं और यहाँ पे इन टाइप की कंपनीज में एफआईआईज की होल्डिंग्स काफ़ी रहती है, तो मैं यही कहूंगा कि बहुत बुलिश होके एग्रेसिव होके नहीं खरीदें, और बाय ऑन र्यूमर सेल ऑन न्यूज़ वाली बात यहाँ पे भी लागू हो सकती है। कोई बड़ी बात नहीं कि रिजल्ट्स में कुछ भी वो होए, हालांकि हरदम रिजल्ट बहुत स्टेबल आए हैं, एसेट क्वालिटी बहुत मेंटेन करते हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया रहता है, बट फिर भी इस बार बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस है, तो मैं इसकी वजह एचडीएफसी लिमिटेड मुझे संभाव ज़्यादा अच्छा लगता है। हालांकि इनका एक ग्रुप कंपनी का एक और आईपीओ आने वाला है एचडीबी फाइनेंशियल्स, तो उसकी वजह से भी ये सारी कंपनियां सुर्खियों में रहेगी, बट फिर भी मेरी ये राय रहेगी कि होल्ड करके तो सर्टेनली रखना चाहिए। चलिए, लेकिन बिगुल बजाते हैं सर, समय हो गया 2:55 हाँ। हो गए हैं और अब स्ट्रैटेजी के वक्त हो गया, तो निफ्टी और निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी बजाइए बिगुल अनिल जी की स्ट्रैटेजी के लिए। बिल्कुल तैयार है, देखें इंटरनेशनल संकेत की ना देखें, आज तो दिन था डीकपलिंग का, आज डीकपलिंग हो गई ना, फिर भी थोड़ा ना वो हरा हरा निशान होगी, डीकपलिंग देखो थोड़ा हरा निशान लेके थोड़ा बताइए मन को राहत मिलेगी, राहत मिल जाएगी। डाउ फ्यूचर्स सेंचुरी मार रहे हैं 100 पॉइंट ऊपर, ये वैसे ही हाल है ना कि सर कल भी रिकवरी थी 200 अंकों, सेंचुरी लगाए उसके बाद भी टीम ना जीत पाए, वैसी जब फीलिंग आती है ना वही वाली फीलिंग हमें आ रही है, इनकी सेंचुरी हमारे काम नहीं आ रही है, यहाँ से पैसा निकला अमेरिकन मार्केट में खरीदारी हो रही है, चलो कोई बात नहीं, नैस्डैक फ्यूचर्स 32 पॉइंट्स की तेजी शो कर रहे हैं, तो अमेरिकन मार्केट अच्छा वो तो छोड़ो, अभी वो देखो ना यूरोपियन मार्केट्स यहाँ पर किस तरह का परफॉर्मेंस है, जब खुले थे तो जबरदस्त चाल पकड़ी हुई थी और अभी देखिए आधे फीसदी के आसपास से गेंस तीनों इंडाइसेस पे देखने को मिल रहा है, तो ये भी तेज। अच्छा मैं थोड़ा जले पे नमक और डालूंगा अभी, उसके बाद फिर एशिया तो आज सुबह से ही खैर बहुत अच्छी है, ये देखिए आप एशिया 420 पॉइंट्स निके ऊपर हमारी मार्केट 420 ठीक है 420 निके ऊपर और सेंसेक्स नीचे है 500, इसके अलावा हैंगसेंग यहाँ पर 300 पॉइंट्स की बढ़त देखने को मिल रही है, शांघाई लगभग 20 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है, कंफ्यूज हो गए ट्रेडर्स आज के सत्र में, अगर एशियन मार्केट्स और ये सब देख लेते हैं ट्रिगर्स तो। अच्छा क्रूड भी दिखा दीजिए, अगर वो क्रूड में हल्की सी नरमी और हो जाए तो नहीं, यहाँ क्रूड में तेजी है 1.5% के आसपास ये तेज है, और रुपया ये कल की लेवल की क्लोजिंग थी 68.81, अब ये 68.87, यहाँ कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, मार्केट्स टूट गए 500 पॉइंट सेंसेक्स। इक्विटी के अलावा कुछ भी खराब नहीं है, शॉर्ट में ही है और वो भी हमारी इक्विटी खाली, सोना भी देख लो मजबूत है, लाइफ टाइम हाई पे तो हमारे इक्विटी मार्केट को छोड़ के कुछ भी खराब नहीं है, करेक्ट। एफआईएस की बिकवाली है, ये दिख रहा है कल के डेटा में और दिखेगा, सिंपल है 11500 के नीचे जो हम ट्रेड कर रहे हैं बहुत खराब है, 45 लाख शेयर 11500 के पुट पर 25 लाख शेयर और 11600 के पुट पर 20 लाख शेयर, 45 लाख शेयर तो ये हो गए जो रिस्क पर आ गए, जिन्होंने पुट बेच रखा है तेजी की पोजिशन बना रखी है, अनलिमिटेड रिस्क है, उनकी बिकवाली का दबाव लगातार बरकरार है। अगला अहम सपोर्ट 11400 पर है जहाँ 30 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, उम्मीद करता हूँ कि वो हम होल्ड कर पाएंगे, वो होल्ड कर लिया तो ठीक है, तो 11400 के नीचे आज आप बंद नहीं होंगे, 11500 के ऊपर बंद नहीं होंगे, 11450 की रेंज में भी बंद हो जाए तो बुरे तो हैं उतने बुरे नहीं, तो मेरे ख्याल से ये डेटा आपको बताने, तो उछाल में आपको बिकवाली करनी, जब तक 11500 पार न करे आपको शॉर्ट काटने के बारे में भी नहीं सोचना, खरीदने के बारे में भी नहीं सोचना, ये चीज़ बहुत क्लियर है। 11300 पे पुट 31 लाख शेयर सबसे ज्यादा खड़े हो गए वहां पर आके, बिल्कुल कल भी थे और आज हाँ। और 11400 पे 30 लाख शेयर हैं, तो ज्यादा फर्क नहीं, 29 लाख शेयर लगभग बराबर है, लगभग बराबर हाँ। तो मेरे लिए 11400 इसीलिए तुरंत सपोर्ट है, 11400 टूटेगा तो फिर तो 11300 आने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, फिर जोर से जाएगा, क्योंकि तब 30 और 45 कितना हो गया 75 लाख शेयर,
ये रिस्क पर आ जाएंगे तो ये इतनी जोर से आपको धक्का देंगे नीचे कि फिर आप बहुत तेजी से जाएंगे। तो 11400 टूटना नहीं चाहिए, वो बहुत जरूरी है। ये तो बात होगी निफ्टी की, जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं। नहीं जल्दी जल्दी क्या आप बोल रहे हो, थोड़ा सा रिकवरी में को ये बताइए 11400 होल्ड कर जाएगा, कुछ पुलबैक ट्रेड्स करेंगे या बिल्कुल लेना नहीं है। 11500 के नजदीक बेचना है, फिर स्टॉप लॉस क्या रखेंगे सर? शॉर्ट करने के लिए 11500 के नजदीक 11550 11550 का स्टॉप लॉस रखेंगे, लेकिन टारगेट सब नीचे के ही आएंगे जिस तरीके की हालत आज बनी हुई है। चलिए फिर आप बताइए निफ्टी बैंक, यहाँ तो आज फाइनेंशियल स्टॉक्स का एक तो दिन ही गंदा हो गया, जिस तरीके की परफॉर्मेंस ने बिगाड़ा मूड फाइनेंशियल स्टॉक्स नहीं था आज के साथ। 30,000 पार करना मुश्किल है, 30,000 पार करेगा तो ये सांस लेगा, मतलब वो कहते हैं ना कि वेंटिलेटर से हटेगा कोमा में से, नहीं तो अभी तो कोमा में ऐसा हाल है। तो 30,000 के पुट पर 4,00,000 शेयर है, कॉल्स पे 4,00,000 शेयर है, बराबर का ओपन इंटरेस्ट है, उसके नीचे जब तक है और खराब है। अगला अहम सपोर्ट 29,500 के आसपास आता है, तो जब तक 30,000 के ऊपर नहीं निकलते तब तक तो भूल ही जाइए कि आप में जान भी बची है। और बैंक निफ्टी के लिए 30,000-30,200 ये जो रेंज होगी ना, इसमें शॉर्ट्स फिर से बनेंगे, तो जिसको 30,200-300 पार करने में पसीना आ जाएगा। तो अब ये नीचे वाली 500 पॉइंट की रेंज में आ गया, जहाँ पर 29,700-30,200 की रेंज रहेगी, तो मुझे लगता है कि उस रेंज को सपोर्ट करें, 30,000 के नज़दीक आए तो अपनी पोजिशन हल्की करिए। 150 पॉइंट ऊपर यहाँ से अगर मिलता है आपको बैंक निफ्टी, वहाँ पे आपको पोजीशन हल्की करनी चाहिए, सिंपल। जितना 30,000 के करीब आए तो उसके बाद पोजीशंस को हल्की कीजिए, ऊपरी स्तर पर बिकवाले भी कर सकते हैं। अगले हफ्ते के लिए बहुत ज़्यादा डैमेज लग रहा है सर आपको, मतलब जिस तरीके का डैमेज तो स्क्रीन पे है ना, डैमेज आपके मेरे बोलने से डैमेज नहीं होता। अभी डैमेज तो अगर स्क्रीन बता रही है, 2 दिन हुए ना, ये मैं पूछ रहा था कि सिर्फ 2 ही दिन हुए अभी, अभी दिक्कत है कि सिर्फ 2 दिन हुए बिकवाले के, जो इतना एग्रेसिव तरीके से बिकवाले के चढ़ता मार्केट एकदम से फिसला ना, बहुत सारे ट्रैप्स। समझे नहीं आप, ये मार्केट ऐसा ही आपको बेवकूफ बना रहा है। आपको याद है इस हफ्ते की शुरुआत हमने क्या कहा था कि एक ही दिन बजट के बाद के दिन का निफ्टी ने हाईएस्ट लेवल दिया क्लोजिंग का, और बैंक निफ्टी ने लोएस्ट लेवल दिया क्लोजिंग का, तो बड़ा मूव आने की तैयारी में। विक्स 11.5 के आसपास कब तक रहेगा इतना नीचे, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी बढ़ेगी। और 2 दिन बड़ा मूव इस तरह से दिया ऊपर की तरफ कि ऐसा लगा कि निफ्टी भी बैंक निफ्टी को खींच के ले जा रहा है, करेक्ट। दो एक्सपायरी के दिन कल आपको एकदम जोर से दे दिया, 2 दिन निफ्टी हावी रहा, 2 दिन बैंक निफ्टी हावी हो गया। तो ये मार्केट कंफ्यूजन वाला मार्केट है, ऐसे में कंफ्यूजन वाले मार्केट में या तो आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए या दूर रहिए, क्योंकि इंडेक्स आपको दोनों अलग अलग तरह की चीज दिखा रहे थे, करेक्ट। पिछले दो दिन तो ऐसा लग रहा था ना कि बैंक निफ्टी भी सुधर जाएगा निफ्टी के चक्कर में, अब आज ये लग रहा है कि बैंक निफ्टी निफ्टी को भी बिगाड़ देगा, तो वैसा हाल है। विक्स भी कितना 6% चढ़ा, सिर्फ 12.5 के लेवल पे पहुंचे, एग्जैक्टली 11.5 से उछलेंगे 12.5 पे पहुंचेंगे, तो अभी भी इतना ज्यादा वो हाई विक्स नहीं है यहाँ पर, अभी भी देखे जाएगा। एब्सोल्युटली। अच्छा एक चीज और कहना चाहता हूँ, M&M फाइनेंस ये स्टॉक आज सुबह हमने 376 रुपए में आपको शॉर्ट करने की राय दी थी आज के 2000 में, इसके टारगेट 370 और 365 के, जो मैंने दोनों टारगेट थे, दोनों टारगेट हासिल हो चुके हैं रजत, दोनों टारगेट हासिल हैं, 370-365 साइन सील डिलीवर्ड, एंजॉय योर लाइफ, ओके। और वागले साहब ने टारगेट 360 का एक ही दिया था, वो भी आ चुका है। वागले साहब थैंक यू वेरी मच बाहर से पूरा समर्थन देने के लिए M&M फाइनेंस के शॉर्ट पर। और सबसे बढ़िया बात ये जो मुझे लगी इसमें ये कि देखिए जहां दिया था हमने वहां बिल्कुल गिरा हुआ नहीं था ये स्टॉक, तो बिना गिरे हुए स्टॉक को अगर 15-16 रुपए आज आपको दिन के दौरान मौका मिले शॉर्ट करके मनाने का, वागले साहब अब क्या करना चाहिए? अनिल जी अभी बुक करना चाहिए, काफी बड़ी मूव आ चुकी है, तो यहाँ से चौपिनेस बढ़ सकता है, यहाँ पर शॉर्ट रहने का मतलब नहीं है ये स्टॉक। चलिए तो मुनाफा वसूल कर लीजिए और यहाँ पर टारगेट जो है वो हासिल होते हुए नजर आए हैं। लेकिन एक और BTSTD का बिगुल, और जिन्होंने सबसे ज्यादा कॉल्स दी आज उन्हीं के पास चलते हैं, वागले जी का बिगुल है। रजत टायर स्टॉक्स में मुझे पैटर्न खराब होते हुए दिखता है, सबसे खराब पैटर्न है MRF में, लेकिन MRF ये ट्रेडेबल स्टॉक है नहीं, और मुझे लगता है ये कैस्केडिंग इफेक्ट बाकी स्टॉक्स में आएगा, तो उससे बाद वाला जो दूसरा स्टॉक है जो सबसे खराब या सबसे वीक है वो है बालकृष्ण, वो भी थोड़ा सा कम लिक्विड है, लेकिन इसमें भी मुझे एक अच्छी खासी 30-35 रुपए की मूव दिखती है, 726-27 के करंट भाव पे मैं बेचूंगा 733-34 के स्टॉप लॉस से, और मेरा 700-690 के बीच के से 695 का टारगेट होगा, मुझे लगता है मंडे को ये आना चाहिए।
चलिए 690, 700 पहला, उसके बाद 690 दूसरा, ये टारगेट्स रखिए और 734 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस, बिकवाली और हावी हो सकती है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज दिन के निचले स्तर पे 724 पे कीजिए शॉर्ट, 734 का स्टॉप लॉस इस केस में आपको फॉलो करना होगा। तो बिकवाली यहाँ पर अभी भी देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ स्टॉक्स जो ऐसी मार्केट्स में भी कहीं ना कहीं संभलने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आज दिन है सरकारी कंपनियों का, लोअर लेवल से खरीदारी। अभी एनटीपीसी के बारे में बात कर रहा था और एक और तेज हुआ है वो है बीईएल, हालांकि पिछले कुछ दिनों में अच्छा फिसला है स्टॉक। अच्छा कुणाल जी, किस लेवल पे दोबारा से शॉर्ट करना चाहिए सर? 99 के लेवल पे पहुंच गया अभी बीईएल फ्यूचर्स। देखिए रजत, जो बड़ा रेजिस्टेंस है वो 101-102 रुपए के आसपास है जहां से ब्रेकडाउन हुआ था, तो मुझे लगता है कि अगर मान लीजिए इसमें एक पुल बैक आता है उसमें 101 के आसपास ये ट्रेड करने लगता है तो वहां शॉर्ट के बारे में सोच सकते हैं। इन स्तरों पर शॉर्ट की राय नहीं है। आज जो लोअर लेवल से रिकवरी हुई है काफी इंप्रेसिव है, तो ऊपरी स्तरों पर 101 के आसपास बिल्कुल बेचा जा सकता है। और साथ ही साथ मेटल्स आज बिल्कुल अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, हिंडालको, वेदांता, हिंद, जिंक जैसे स्टॉक, टाटा स्टील में वीकनेस देखने को मिल रही है, तो तमाम स्टॉक्स में आज के सत्र में गिरावट है। कोई स्टॉक अभी है ट्रेड करने लायक जहां बिकवाली हो सकती है सचिन जी? इमीडिएटली मेरे पास कोई ऐसे सेटअप नहीं है, बट डेफिनेटली रेडार पे है, फिलहाल तो नहीं है मेरे पास। सर आपका कोई स्टॉक अगर देना हो तो अभी ले लें या फिर बिल्कुल थोड़े समय रुक के बजाएं? एक दो मिनट रुक सकते हैं, कल के 2003 बजे है ना, बस एक दो एक आध मिनट में फाइनल कर लेता हूं, बस एक मिनट दे दीजिए मुझे। अच्छा लेकिन एक ना एक भी ब्लॉक डील हुई, 11 लाख शेयरों का सौदा है। अच्छा ये बात कर रहे थे हम श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, इसमें 11 लाख शेयरों की अभी एक ब्लॉक डील हुई है और ये स्टॉक हरे निशान में है। ओ यस बैंक पे 9 लाख शेयरों का सौदा हुआ 83-80 के लेवल पे, दोनों ब्लॉक डील्स एकदम से। और वैसे भी फाइनेंशियल स्टॉक्स पे आज ब्लॉक डील्स ज्यादा हो रही है, SBI पे भी हुई थी आज एक नहीं दो ब्लॉक डील्स। पहले तो बात करते हैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की, 1055 ये लेवल देखने को मिल रहे हैं, गिरते बाजार में चढ़ा स्टॉक, ये एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है अगर रिवर्सल खेलना है तो। कब आएगा रिवर्सल? मुझे लग रहा है आज की क्लोजिंग अगर इसने मेंटेन कर दी और कल का जो लो था अराउंड 1047 उसके ऊपर अगर ये क्लोजिंग मेंटेन कर ली उसने फ्यूचर्स में, मुझे लग रहा है एक अच्छा रिवर्सल रिबाउंड आ सकता है स्टॉक में। 1030 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट या फिर स्टॉप लॉस लेवल होगा इस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए, तो मुझे लग रहा है अगर यू नो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन लेनी है तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में ली जा सकती है। ओवरऑल अगर हम पूरा यू नो स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्टिंग रेंज में रहा है स्टॉक, तो अगर यहाँ पर एक स्प्रिंग इफेक्ट आना है स्टॉक में तो मुझे लग रहा है वो 1080 के ऊपर ही होगा, तो 1080 का फर्स्ट टारगेट होगा और 1030 का स्टॉप लॉस होगा इसमें। यस बैंक में भी 9 लाख शेयर्स का सौदा हुआ है। कुणाल जी आऊँगा यस बैंक पे आपके पास, लेकिन इसी बीच ये जो नतीजा आने वाला, अच्छा बिगुल कल के 2000 का, चलिए तो पहले कल के 2000 का बिगुल, उसके बाद एनर्जी का स्टॉक। पर मैं पहले बता दूं 11409 का भाव दिखाई दे रहा है निफ्टी पे और 29800 भी तोड़ चुका है बैंक निफ्टी और नीचे गया। तो आपका स्टॉक, आपकी कॉल निफ्टी बैंक पर? ये स्टॉक ऐसे शॉर्ट करने की राय है, लेकिन इसमें आशु मदान जी का भी आशीर्वाद है और वो भी मंदी में, सोच लीजिए इसका क्या होगा, सोच लीजिए क्या स्टॉक का नाम ही इतनी स्टॉक कौन सा है? ये ऐसा स्टॉक है जिसमें सचिन जी, कुणाल जी, राकेश जी, जैन साहब तो खैर शॉर्ट देते ही नहीं बेचारे, और चौथे कोई ना वागले जी, किसी ने आज तक अभी तक शॉर्ट नहीं दिया, फ्रेश शॉर्ट एकदम एकदम नया वाला। ये कौन सा निकला ताजा है मार्केट में नया शॉर्ट, मतलब कुणाल जी कोई अंदाजा लगाना चाहते हैं ऐसा जो आज तक आप लोगों ने शॉर्ट कॉल नहीं दिया वो आशीष जी? हाँ जी, अशोक लेलैंड में आप बेचने की राय देना चाह रहे हैं मुझे लगता है? नहीं वो तो बहुत बहुत बार दे दी, वो तो सपोर्ट आशु जी की तरफ से फ्रेश फ्रेश नया निकल कर आया था। रिलायंस IDFC फर्स्ट बैंक 40.25 रुपए से 40.50 रुपए के आसपास ये स्टॉक चल रहा है और 2% आज ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है 20 लाख शेयरों से। इस पर शॉर्ट करने की राय कल के 2000 के लिहाज से। अब आशीष जी तो थोड़े टारगेट तो बड़े लगेंगे उनके, तो टारगेट 1-2% के तो होते नहीं है। उनका कहना है कि इस बार जो रिजल्ट आएंगे रिजल्ट बहुत ख़राब आएंगे इसके, और रिजल्ट ख़राब इस वजह से आएंगे कि जो IDFC फर्स्ट बैंक का एक्सपोजर कुछ मुसीबत वाले जो ग्रुप्स हैं कंपनियों में है वो सामने आएगा, तो उसके चलते हुए ख़राब रिजल्ट आने की पूरी पूरी आशंका है। और दूसरी बात है कि जैसा कि 40 रुपये का शेयर है तो हर एक घर घर में है, हर एक पोर्टफोलियो में है, तो वो क्या बोलते हैं इसको ओवरबॉट नहीं नहीं डिस्ट्रीब्यूटर क्या उसकी क्या उसको क्या कहते हैं बंसल जी कि सबके पास होए क्राउडेड अनिल जी क्राउडेड हाँ क्राउडेड ट्रेड है कि सबको लगता है 40 रुपये में IDFC फर्स्ट बैंक में क्या बैंक आपको 40 रुपये में मिल रहा है, लेकिन वो
कुणाल जी सही कहते हैं, कोई भी बैंक 100 रुपये से नीचे वाला ना बहुत रिस्की है। तो कुणाल जी, अगर अभी आशु मदान जी शो में होते तो आप ही को पूछते, लेवल्स वगैरह बताइए, लिमिटेड इंटरवेंशन, और अगर आप उनके साथ हैं तो फुल इंटरवेंशन। अनिल जी, मैं पूरी तरह उनके साथ हूं, और कोई विकल्प भी नहीं है जिस तरह का मार्केट है अनिल जी। और उनके साथ मेरी चर्चा हुई थी IDFC फर्स्ट बैंक को लेकर, और मैंने उनको कहा था कि 40 रुपये का सपोर्ट है, 40 रुपये 25 पैसे का, जैसे ही ये लेवल टूटेगा आपको एक पैटर्न बनता हुआ इस चार्ट पर नजर आएगा जिसको डिसेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं, जिसका लक्ष्य जो है वो कम से कम 36 रुपये बनता है। तो मुझे ये स्टॉक 36 रुपीज़ तक नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है, प्रोवाइडेड आज का क्लोज 40 रुपीज़ 20 के नीचे हो जाए, 40 रुपये 20 पैसे के नीचे बंदी आती है, तो आपको यहाँ पर 36 रुपये के टारगेट से शॉर्ट करना चाहिए। चलिए बिकवाली और हावी, 36 रुपये का टारगेट, क्या बात है, 40 रुपये और 36 रुपये का। तो देखिए मेरी राय ये होगी कि 39.5-39 रुपये तक आपके 2000 बन जाएंगे आराम से, तो 39.5-39 ये दो टारगेट मेरे हिसाब से रख लीजिए, 36 रुपये का टारगेट कुणाल जी के हिसाब से रख लीजिए, 41 रुपये का स्टॉप लॉस ये लगाकर आपको करनी है बिकवाली IDFC फर्स्ट बैंक कल के 2000 के लिए, ठीक है। साथ ही साथ नतीजा आने वाले 11400 इस लेवल पर पहुँचा है इस समय निफ्टी, तो अभी थोड़ा संभलने की कोशिश है, 11400 के आसपास ही यहाँ पर हो रहा है ट्रेड, देखते हैं बहुत ज़्यादा बिकवाली के बाद कुछ कवरिंग होती है, लेकिन अभी तक कोई चांस लग नहीं रहा, बहुत ज़्यादा बिकवाली ऑलरेडी सिस्टम में हो चुकी है, लेकिन नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे, स्पेशल सेगमेंट जैसे बताते हैं कि कैसा शेयर जहाँ पर नतीजे बेहतर रहने की उम्मीद है, बताने के लिए मौजूद है मानसी। बताएं मानसी, कौन सा शेयर है जो फोकस में? देखिए रजत, सीमेंट क्षेत्र में अच्छे नतीजों की शुरुआत ACC के नतीजों से ही हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर जो दूसरा शेयर हम बता रहे हैं वो है JK लक्ष्मी सीमेंट, बेहतरीन नतीजों की उम्मीद यहाँ पर लगाई जा रही है। देखिए आय के फ्रंट पर अगर देखें तो करीब 5% का इजाफा यहाँ पर कंपनी देख सकती है, साथ ही इसके मार्जिन भी 10% बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है, लेकिन सरप्राइजिंग नंबर्स जो हैं वो इसके कामकाजी मुनाफे और मुनाफे के फिगर्स में देखने को मिलेंगे। कामकाजी मुनाफा 73% बढ़ने की उम्मीद यहाँ पर लगाई जा रही है, और मुनाफा तो 4 गुना सालाना आधार पर कंपनी का बढ़ सकता है। इसके पीछे की वजह आपको बताते हैं, देखिए कंपनी के वॉल्यूम्स जो हैं वो घट रहे हैं लेकिन रियलाइजेशंस बढ़ रहे हैं, सालाना आधार पर वॉल्यूम्स 4% घटने का अनुमान है और रियलाइजेशन में 10% की बढ़त की संभावना जताई जा रही है, जिसका सीधा असर कंपनी के मुनाफे पर पड़ता दिखेगा। साथ ही गुजरात और छत्तीसगढ़ के मार्केट में बिक्री बढ़ाने पर भी कंपनी का जोर है, तो ये तिमाही नंबर्स अच्छे आने के अनुमान है ही, लेकिन आने वाली तिमाहियों की भी तैयारी कंपनी अभी से करके रख रही है। कच्चे माल की कीमतें घट रही हैं जिसका सीधा असर मार्जिन पर पड़ता दिखेगा, फ्यूल कोयले की कीमतें घटने से मार्जिन सुधरते हुए दिखेंगे, 10% के मार्जिन का अनुमान हम यहां पर लगाकर चल रहे हैं, और साथ ही यहां पर खर्चा कम हो रहा है, मुनाफा ज्यादा होने की संभावना है, क्योंकि अगले 2 साल में माल ढुलाई खर्च यानी कि जो फ्रेट कॉस्ट है वो 100 रुपये प्रति टन कटौती का लक्ष्य कंपनी बनाकर चल रही है। और अंत में Q2 FY 2020 में नए थर्मल प्लांट की शुरुआत भी होने जा रही है, तो कारोबार विस्तार को लेकर भी कंपनी काफी ज्यादा सीरियस है। आपको बता दें सालाना आधार पर करीब यहां पर 4 गुना कंपनी का मुनाफा बढ़ेगा, लेकिन सालाना आधार भी अगर हम ना देखें और Q-on-Q बेसिस पर, तिमाही दर तिमाही पर बेसिस पर भी देखें तो 48% की बढ़त यहां पर कंपनी देख सकती है, ऐसी उम्मीद नंबर से जताई जा रही है। तो जेके लक्ष्मी सीमेंट नतीजे अच्छे आएंगे और कमाई बिल्कुल कराएंगे। ACC के नतीजों के बाद उम्मीद तो बन गई, और जैसे जैसे आप बोल रहे थे वैसे वैसे स्टॉक में रिकवरी भी आ गई, लेकिन आज दिन तेजी का नहीं है, पर फिर भी मैं एक बार कंफर्मेशन लेवल ले लूँ, 351 के लेवल पर पहुंचा है। कुणाल जी बताइए, जेके लक्ष्मी सीमेंट में कितनी मजबूती सीमेंट स्टॉक में देखने को मिल सकती है? देखिए रजत, शायद मेरे ख्याल से कल भी हम इसकी चर्चा कर रहे थे और इसमें एक ब्रेकआउट आज के ट्रेड में सवेरे देखने को मिला, उसके बाद ऊपरी स्तरों पर ये टिक नहीं पाया, तो मुझे लगता है कि देखिए सबसे पहला काम जो करना चाहिए बाजार के माहौल को देखते हुए वो है कि 345 रुपये पर एक स्टॉप लॉस रख लें, अगर आपके पास पुरानी पोजिशन है या आपने हाल में खरीदी है, 345 का एक स्टॉप लॉस, और ऊपर मुझे लगता है कि 370 का एक लेवल है जहां पर कि इसमें रेजिस्टेंस है, तो 370-380 के लेवल्स आ सकते हैं, प्रोवाइडेड ये 345 को ना ब्रेक करे, तो 345 के स्टॉप लॉस से होल्ड करने की राय। ओके, ये है आपके लिए जेके लक्ष्मी सीमेंट पर आए। एक और स्टॉक है जिसपे मैं राय लेना चाहता हूँ, वो है आइशर मोटर्स। ऑटो स्टॉक किसकी हिम्मत है इस पर राय देने की? कुणाल जी, राकेश जी और वागले साहब, इधर सचिन जी ने तो मना कर दिया, मेरे बस की बात नहीं है, 750 रुपये नीचे है। हाँ कुणाल जी, नहीं राकेश जी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में आगे निकले। राकेश जी बताइए, बेचना है इसे? देखिए नहीं अनिल जी, देखिए हमने तो परसों भी रजत ने पूछा था तो इस पर एक भिकवाली की राय दी थी और कल गिरावट नहीं आई थी, बट रजत ने कल जब दोबारा पूछा था तो मैंने यही बोला था कि गिरावट के लिए स्टॉक तैयार है, और आज अनिल जी स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ परसों हमने सेल कॉल दिया था आइशर मोटर पर और वो नेगेटिव व्यू इंटैक्ट है, किसी ने बेचा है तो होल्ड रखे।
चलिए, तो किसी ने बेच रखा है तो वो होल्ड रखे, 4% ऑलरेडी स्टॉक है डाउन, ऑटो इंडेक्स सबसे ज्यादा टूटने वाला इंडेक्स साबित हो रहा है, और अमराजा बैटरीज यहाँ पर नतीजे आने हैं और नतीजे आएंगे कल, उससे पहले अमराजा भी वीक है, एक्साइड हम सुबह से ही बोल रहे हैं बहुत वीक है, इसको बेचिए, पर अमराजा के रिजल्ट्स कैसे रह सकते हैं ये बताने के लिए कुशल मौजूद है। कुशल बताएं, स्टॉक में भारी बिकवाली है 5% की, कल आने वाले नतीजे, नतीजों से क्या एक्सपेक्टेशन है? नतीजों के लिहाज से अमर राजा बैटरीज जो है वो मिले जुले नतीजे रह सकते हैं, वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप आय देखें तो उसमें करीब 4.5% की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि ऑटो मार्केट में जो स्लो डाउन है उसकी वजह से इन लोग की बैटरीज बिक्री कम हुई है, पर इनका रिप्लेसमेंट और साथ साथ जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट है उसमें बेहतर प्रदर्शन हुआ है, जिस वजह से आय में जो गिरावट आनी चाहिए थी वो कम आई है, पर गिरावट आई है। इसके साथ साथ अगर मैं जो कामकाजी मुनाफा है उसको अगर आप देखें तो उसमें एक रुझान आपको देखने को मिलेगा, करीब 17.5% की बढ़त उसमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि इनका जो रॉ मटेरियल है एलएमई पर जो लीड है लीड उसकी लंदन मेटल एक्सचेंज में सालाना आधार पर करीब 18% की गिरावट आई है उसकी कीमतों में, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो करीब 8.5% गिरा है, तो उसका सीधा सीधा जो ट्रांसलेशन है वो उनके जो कामकाजी मुनाफा है उसमें देखने को मिलेगा, और मार्जिन्स भी उसी वजह से अगर आप देखें तो करीब 2.7% बढ़ी है, और मुनाफा जो है कंपनी का वो करीब 15.5% बढ़ सकता है। ठीक है, हमारा जो बैटरीज मुनाफा हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें तो इजाफा ही देखने को मिलेगा, आय जरूर घटेगी लेकिन इनकी जो रिप्लेसमेंट मार्केट है वो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग प्रदर्शन करेगी, और ऊपर से कच्चे माल की लागत जो है वो कम होती हुई नजर आएगी, क्वेश्चन प्रोवाइड हो सकता है। लेकिन ये टूटे क्यों फिर एक्साइड और साथ साथ अमराजा बैटरीज आज के सत्र में जिस तरह की बिकवाली है जैन साहब, ये कुछ कारण बनता है? क्योंकि हम तो ये बोल रहे हैं कि लेड की कीमतें तिमाही दर तिमाही आधार पर भी सालाना आधार पर भी कम हुई हैं सर, उसके बावजूद टूट गए स्टॉक्स। देखिए मार्केट के सेंटिमेंट्स ही ऐसे हैं कि अब हर स्टॉक की पिटाई हो रही है एक तरीके से, और रीज़न ये है कि देखिए ऑटो सेक्टर वाकई में अच्छा नहीं कर रहा है, और जिस तरीके से अब और भी नंबर्स आएंगे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे भी ऐसा ही रहेगा, बट फिर भी एक्साइड मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रख सकते हैं और लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, और नीचे के लेवल्स जब भी मार्केट कहीं ना कहीं बॉटम आउट करता है, इतनी बड़ी जो ये पैनिक आई है और जो बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ी शांति जब आए तो हो सकता है कि एक सपोर्ट लेगा, बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि जो भी सरकार के जो इनिशिएटिव्स थे ईवी को लेकर और ये सब को लेकर तो एक्साइड तो एक बड़ा बेनिफिशियरी है, तो एक्साइड के ऊपर मैं सर्टनली बेरिश नहीं हूँ, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं होल्ड करे और नीचे के लेवल्स पे। और जेके लक्ष्मी के सीमेंट की बात हो रही थी तो आई जस्ट टेक अ लिबर्टी की उस रिजल्ट्स के बारे में थोड़ा सा बोलना चाह रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार सीमेंट सेक्टर के रिजल्ट्स फैंटास्टिक आएंगे, मैंने कुछ चैनल चेक किया था और कल भी इनफैक्ट जो सीमेंट के जो रिटेल प्राइजेज है ट्रेड प्राइजेज और नॉन ट्रेड प्राइजेज उसमें ज़बरदस्त इजाफा है। अप्रैल में देखिए जब अंबुजा का रिजल्ट आया था अल्ट्राटेक के रिजल्ट्स आए थे वहां पे भी सरप्राइज आया था, ये सेगमेंट पहले नहीं अच्छा कर रहा था और मुझे लगता है कि ये कंपनी अच्छा करेगी। हालांकि इनके छत्तीसगढ़ मार्केट में थोड़ा सा एक वो रहता है कि वहां पे प्राइस कंट्रोल थोड़ा रहता है, वहां की सरकार रिलेटिवली करती है, बट नॉर्थ इंडिया में जो भी कंपनीज डील कर रही हैं उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे और ये पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडियन मार्केट्स में बहुत एक्टिव है, तो मुझे लगता है कि इसके रिजल्ट सरप्राइजिंग आएंगे और अच्छी खासी एक तेजी बन सकती है। जो कुणाल जी ने 345 का स्टॉप लॉस कहा, खराब मार्केट है, स्टॉप लॉस के साथ लेके काम कीजिए, हो सकता है अच्छा पैसा मिल जाए जंप में। लेकिन लोअर लेवल से अब निफ्टी में कुछ खरीदारी, हल्की सी खरीदारी देखने को मिली, बहुत बिगुल बजाने एक, हां तो एक बीटीएसटी का बिगुल, उसके बाद सीधे चलते सचिन जी के पास। बताएं सचिन जी, खरीदारी करनी है? अरे क्या बात करो सर, खरीदारी की कॉल आई जरा इनको ऐसे ऐसे करके देखो, वैसे कोई कॉल ही नहीं आई खरीदारी की नहीं, इनफैक्ट हम जिस स्टॉक का जिक्र हुआ था श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस मजबूत एकदम नहीं, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक बेट लेनी चाहिए लॉन्ग साइड पे, जितनी बिकवाली चल रही है इन सिमिलर स्टॉक्स में, आई थिंक ये पर्टिकुलर स्टॉक काफी कमेंडेबल रहा है जिस तरीके से अभी भी पॉजिटिव ट्रैक्शन है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में मुझे लग रहा है कि वापस एक बार 1100 के आसपास जो उसका हर्डल है वहाँ तक जा सकता है स्टॉक, एक अच्छा रिबाउंड आ सकता है स्टॉक में। 1035 फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस लगाना चाहिए एंड लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पर बना के रखनी चाहिए। 1085 मैंने पहले का टारगेट दिया था और ये सेकंड टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अराउंड 1100 के आसपास। 1085 1100 ये टारगेट्स हैं, 1035 का स्टॉप लॉस, का स्टॉप लॉस ब्लॉक डील भी हुई थी अभी, और ये स्टॉक एक ऐसी एनबीएफसी कंपनी जहां पर सारे स्टॉक्स नीचे हैं, ये स्टॉक लगभग दिन के उच्चतम स्तर पे कर रहा है, फिर भी ये
चलिए, लेकिन ये पुल बैक ट्रेड है, 1085 1100 का टारगेट 1035 पे लगाइए एक स्टॉप लॉस। बैन से बेनिफिट भी देख लेते हैं, यानी कि ओ उससे पहले हिंदुस्तान जिंक का मुनाफा 1770 करोड़ ये फिगर आई है मुनाफे की, हम इस पे कर रहे थे 1700 करोड़ के आसपास का आएगा, तो वो तो अभी थोड़ा सा इनलाइन ही बढ़ता हुआ नजर आया, थोड़ा सा बेहतर है, थोड़ा सा इनफैक्ट थोड़ा सा बेहतर भी है। तो 1770 करोड़ का मुनाफा, 1705 करोड़ एक्सपेक्टेड था। कुणाल जी अब खुली आप चार्ट्स, बताइए कौन से लेवल के ऊपर खरीदना है, कौन से लेवल के नीचे करनी है बिकवाली? देखिए बिकवाली का लेवल तो बहुत क्लियरली आइडेंटिफाइबल है रजत, 218 रुपए के नीचे जाएगा तो मुझे लगता है कि बेचना चाहिए। ऊपर एक पुल बैक आता हुआ दिख रहा है, मुझे लगता है इसमें 222 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है, तो 222 ये लेवल है जिसके ऊपर ये और मजबूत हो जाएगा, तो 222-218 ये रेंज इस स्टॉक के लिए रहनी चाहिए। चलिए, और जो आय की फिगर आई है वो है 4920, ये है आय की फिगर, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 4940 करोड़ के आसपास की फिगर जो है कंपनी रिपोर्ट करेगी, तो हल्का हमें इस आय के फ्रंट पे है, लेकिन मुनाफा संभाल गया, मुनाफा हमारे अनुमान से बेहतर, अब देखने कोई अदर इनकम या पे अन्य कंपोनेंट तो नहीं है इसमें, लेकिन हम कामकाजी मुनाफा एक्सपेक्ट कर रहे थे 2393 करोड़ का, वो आंकड़ा भी बहुत अहम रहेगा और ऑपरेटिंग नतीजे देखने होंगे कंपनी ने कैसे पोस्ट करें, लेकिन पहले टेक में मुनाफे की फिगर हमारे अनुमान से ज़्यादा है, स्टॉक संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है आपके लिए रिजल्ट्स हिंदुस्तान जिंक, जैन साहब हिंदुस्तान जिंक का ऐसे रिजल्ट्स ठीक दिख रहे हैं, माहौल खराब है बस, लेना चाहिए क्या? नहीं, मेटल्स में वैसे भी थोड़ा सा मैं कॉशियस हूं, और ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि जो ये ग्रुप कंपनीज में भी जो थोड़ा बहुत जो अभी कॉरपोरेट गवर्नेंस को लेकर इश्यूज की जो न्यूज़ आती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि है इश्यूज या जो भी है, तो थोड़ा क्या डर के रहने में ही फ़ायदा है। और हालांकि ये बहुत ज़बरदस्त कंपनी और सिल्वर की प्राइजेस जिस तरीके से अभी रीबाउंड कर रही हैं, ओवरऑल गोल्ड और सिल्वर का एक रेशियो भी काफ़ी गोल्ड के फेवर में था, बट पिछले 2-3 दिनों में जो गोल्ड में 2000 की तेजी आई है, तो हिंदुस्तान जिंक बड़ा बेनिफिशियरी रहता है सिल्वर की प्राइजेस का, बट फिर भी मैं यही कहूँगा कि आई विल बी कॉशियस, मैं रादर मेटल्स में हिंडालको, मॉइल, NMDC इन टाइप के स्टॉक्स पर ध्यान दूंगा, वो ज़्यादा मुझे सेफ लगते हैं। ओके, तो थोड़ा इंतजार करें खरीदारी करने के पहले, लेकिन देख लेते हैं स्टॉक्स कौन से हैं वो जो बैन में जाने को तैयार है, बाहर आने को तैयार है, बैन से बेनिफिट देवांशी के साथ। बताए देवांशी। सर आज 5 स्टॉक्स हैं जो बैन में है, उसमें से एक स्टॉक बाहर निकलने की उम्मीद है, टाटा एलेक्सी। okay. कल ही आया था बैन में और आज 80% के नीचे की पोजीशन है, 75%, तो ये निकल सकता है। ओके, और किसी के अंदर जाने की संभावना? ओ, टाटा एलेक्सी 4% नीचे आज। अच्छा, तो बच्चे कुछ तेजी की पोजीशन सारी खत्म हो गई है अब यहाँ पर, आज लॉन्ग पोजीशंस और खत्म हो चुकी है, अब ये बाहर निकलेगा। बताइए, हाँ कोई बैन में आने वाला? कोई स्टॉक बैन में नहीं आया, एक भी नहीं, कोई नहीं। मैंने एक बार फिर से टाटा एलेक्सी पे कितनी पोजीशंस खड़ी दिवांशी, एक बार फिर से बताइए। बताओ 80% के नीचे, 75% के लेवल्स के पास मार्केट वाइड पोजीशन है, तो ये बाहर जा सकता है। अभी 75% के आसपास हो गया, 92 नहीं है, इसको ठीक कर लीजिए, 75% ये बैंड से बाहर, फिर तो आ ही जाएगा। तो अभी तो आज के सत्र में दबाव ही देखने को मिला, ऊपरी स्तर पे बिकवाली परसेंट, टाटा एलेक्सी ये हफ्ते का परफॉर्मर, ये क्या पहले ही बता देता कि यहाँ पर नतीजे खराब रह सकते हैं, थोड़ा संभलने की कोशिश थी कल लेकिन आज फिसल गया फिर से। देखिए ऐसे कोई कॉन्क्रीट ऐसे सपोर्ट्स यहाँ पर नजर नहीं आ रहे, इनफैक्ट जिस तरीके स्टॉक में रुझान है, आई थिंक 650-660 यही एक बेस है, तो यहाँ पर ऐसे टेक्निकली तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अभी तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में, आई थिंक ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रह सकती है। मैं इनफैक्ट यहाँ पर इमिडिएटली शॉर्ट करने की भी सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी 10-12 दिन से स्टॉक लगातार गिर रहा है, तो आई थिंक यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। अगर किसी की शॉर्ट पोजीशन है तो डेफिनेटली वहाँ पर रिवर्सल 710-711 के ऊपर अगर क्लोज दे देता है तो थोड़ी सी उम्मीद हो सकती है, एल्स मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर डाउनफॉल जो चल रहा है वो कंटिन्यू रह सकता है अराउंड 660 तक का। चलो ठीक है, बिकवाली तो और जारी रह सकती है, लेकिन एक स्टॉक बताया गया था आपको M&M फाइनेंस, पहले आपको वो सुनाते हैं कि कौन से लेवल्स पे M&M फाइनेंस बताया गया था आज और क्या बिकवाली जो करने की सलाह दी गई थी उसमें टारगेट्स के बताए गए थे, लेकिन ये स्टॉक है दिन के निचले स्तर के करीब, 361 के लेवल पे कर रहा है ट्रेड, 362.50 फ्यूचर्स पे, आइए सुनवाते हैं क्या कहा था। शॉर्ट करने की राय 376-375 के आसपास है M&M फाइनेंस, स्टॉप लॉस आज के हाई का लगाना 380.25 पे, 370 और 363 दो टारगेट आपको नीचे के रखने हैं। M&M फाइनेंस ये स्टॉक आज सुबह हमने 376 रुपए में आपको शॉर्ट करने की राय दी थी आज के 2000 में, इसके टारगेट 370 और 365 के जो मैंने दोनों टारगेट थे टारगेट हासिल हो चुके हैं,
साइंड सील्ड डिलीवर्ड एंजॉय योर लाइफ। M&M Finance दिन के निचले स्तर पे तो स्ट्रॉन्ग मूव नेगेटिव साइड पे, जो कि बताया गया था आपको बिल्कुल उसी तर्ज पे यहाँ पर होती हुई नजर आई है ट्रेडिंग। तो बिकवाली तो है खैर आज की मार्केट पे, लेकिन कुछ स्टॉक्स जो बिल्कुल अंडर परफॉर्म कर गए, उसमें स्टॉक है सर ब्रिटानिया, पिछले कुछ दिनों में तेज हुआ था कुणाल जी, लेकिन अब है फिर से वीक। आज FMCG का भी दिन नहीं है, FMCG डिफेंसिव माना जाता है लेकिन खरीदारी हो नहीं रही है। डाबर को छोड़ दीजिए, वो एक्सेप्शन है, 2.5% नीचे है ब्रिटानिया। लेवल्स जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2748 फ्यूचर्स पे, अभी क्या करना चाहिए स्टॉक पे? देखिए बिकवाली की राय नहीं है मेरी रजत, उसकी वजह यह है कि 2700 से लेकर के 2650 के बीच मुझे एक बड़ा सपोर्ट नजर आता है, स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, तो मेरी राय में एक बार वेट एंड वॉच करते हैं। ये जो पॉकेट है FMCG का, ये एक रिलेटिव आउट परफॉर्मर रहना चाहिए, डिफेंसिव स्टॉक्स हैं, और मान लीजिए बाजार गिरावट और दिखाता है तो भी मुझे लगता है कि इनमें उस तरह की गिरावट नहीं देखने को मिलेगी, तो ब्रिटानिया बेचने की राय नहीं है। इनफैक्ट जिनके पास पोजिशन है उन्हें 2680 के आसपास स्टॉप लॉस रखना चाहिए। इन स्तरों पर नई खरीदारी की भी राय नहीं है, तो दूर रहने की राय रहेगी रजत, दूर रहो बस। एक बार बैंकिंग तो आज ऐसा नहीं लग रहा आपको कि 3:30 ही नहीं बज रही, तो आप जब भी बिकवाली होती है तो कितना बेचेंगे, बेचते चले जा रहे हैं। हाँ कुणाल जी कुछ कह रहे हैं आप? अनिल जी किसी ने मुझे एक सुझाव भेजा है, उन्होंने कहा है कि जिस तरह किसानों के लिए एक सपोर्ट प्राइस है हर कमोडिटी के, वैसे ही सपोर्ट प्राइस शेयर्स के लिए भी सरकार को निश्चित कर लेनी चाहिए, जिस तरह शेयर्स गिर रहे हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर स्टॉक की होनी चाहिए, है ना, सबके लिए है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि किसी भी शेयर को हम नेगेटिव ट्रेड नहीं होने देंगे। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जीरो के नीचे नहीं जाने देंगे किसी को, चिंता ना करें बिल्कुल आप। चलिए यहाँ पर लेकिन बिकवाली बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, 11 अब छोड़, खैर 11400 के लेवल को होल्ड कर लिया सर। नहीं ठीक है, अभी गिरे हुए हैं लेकिन इतने भी गिरे हुए नहीं है हम। चलिए फटाफट सोमवार को नतीजे आने वाले हैं, वो भी आपकी सोमरस बनाने वाली कंपनी USL, और सोमवार को डिम्पी जी भी आएंगे, उसके पहले डिम्पी जी का हाल आप सोमवार को देख लीजिए, नतीजे कैसे रह सकते हैं वो अभी बता देते हैं संदीप हमारे साथ हैं बताने के लिए। संदीप बताइए। बिल्कुल डिम्पी जी का स्वागत करने के लिए, यूनाइटेड स्पिरिट्स के अच्छे नंबर्स की उम्मीद हम कर रहे हैं, उनकी जो आय है वो 7.5% बढ़ने का अनुमान है, कुल बिक्री 1.93 केसेस के आसपास रहेगी, प्रीमियम सेगमेंट में 8-10% और पॉपुलर सेगमेंट में 2% के आसपास ही ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो इससे होगा क्या इनकी आय बढ़ती हुई दिखेगी, और इस बार पिछले साल के मुकाबले अगर आप कंपेयर करें तो बेस काफ़ी छोटा, अगर आप कामकाजी मुनाफे की बात करें तो आय से ज़्यादा आपको बिड्डा बढ़ता हुआ दिखेगा, 31% की ग्रोथ आएगी, 252 करोड़ का नंबर आएगा, मार्जिन जो कि 9.6% के थे वो बढ़कर 12% के आसपास के हो जाएंगे। इसमें एक फैक्टर ये भी है कि ग्लास और उसके साथ साथ ENA के दाम बढ़े हैं, जिस वजह से मार्जिन में उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ ठीक ठाक है और उसके साथ साथ इनकी जो लागत है वो घट रही है, छोटा बेस है तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं नंबर्स में काफ़ी पॉजिटिव साइड पे देखने को मिलेगा। मुनाफे की ग्रोथ आपको कामकाजी मुनाफे से और भी ज़्यादा देखने को मिलेगी, मुनाफा 45% बढ़ सकता है, क्योंकि एक तो वॉल्यूम ग्रोथ ठीक है, मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, और उसके साथ साथ एक तो इनकी ब्याज लागत में कमी होगी और टैक्स भुगतान में भी कमी हो सकती है, तो इससे मुनाफे की ग्रोथ और भी अच्छी रहेगी, 45% मुनाफा बढ़कर करीब 118 करोड़ रुपये के आसपास आ सकता है, तो नेट नेट देखा जाए नंबर स्ट्रांग रहने का अनुमान है। चलिए तो नंबर स्ट्रांग रहने का अनुमान है, लेकिन आज के सत्र में हुई है मुनाफा वसूली, 582 के लेवल पे कर रहा है ये ट्रेड, एक बार कुणाल जी दीजिए कंफर्मेशन, बताइए सर ये सोमवार के सत्र में एक्टिव होगा तेज होगा तो कहां तक जा सकता है, और अगर गिरा तो कौन सा लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए? रजत जी ये पक्की खबर है कि डीपी जी सोमवार को आने वाले हैं, डाउट क्यों है आपको? यानी जब कंफर्म कर लेना अच्छा रहता है, क्योंकि देखिए बाजार का माहौल ऐसा है तो इसके तो मानधाता डिम्पी जी हैं, अगर देखिए डिम्पी जी सोमवार को ज्वाइन कर लेंगे रजत तो मुझे लगता है डेफिनेटली ऊपर जाना चाहिए, स्ट्रक्चर मजबूत है, करेक्शन आ चुका है और अब एक सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है, और सपोर्ट मुझे 590 रुपये के आसपास नजर आता है, 584 का भाव है, हल्का सा सपोर्ट के नीचे ट्रेड हो रहा है, तो मुझे लगता है कि अगर ये 585 के आसपास ट्रेड करता रहता है तो इसमें वापस से एक पुलबैक देखने को मिलेगा और वापस से 620-630 के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। जितना गिरना चाहिए उतना गिरा भी नहीं है वैसे देखा जाए तो मार्केट के साथ में, लेकिन आर लेटर के लिए दिन खराब है। RBL बैंक के साथ एक और स्टॉक अब नज़र पड़ी मेरी बड़े दिनों बाद, रिलायंस इंफ्रा, ये 12% नीचे आज, क्या बात है, रिलायंस इंफ्रा भी चोर से गया, बैन में है वैसे इसलिए नोटिस नहीं हुआ, इसलिए चर्चा भी नहीं हुई, लेकिन रिलायंस इंफ्रा भी काफ़ी तेज़ी से गिरा है, 42 रुपये पर आ चुका है, मेरे ख्याल से ये लोएस्ट भाव है इसके, लाइफ टाइम हैक नहीं लेकिन 36 से लाइफ टाइम लो, ओके कब आएगा आप ही बता दो, अगर आपने देख रखा है इतना तो भूलने की जरूरत नहीं है, मैंने बोल के गलती कर दी।
लग रहा है ना उधर जाने का? आई थिंक डेफिनेटली हो जाएगा वो इसी तरीके से कंसोलिडेट होके वापस वो गिर रहा है, गिर रहा है, अगले हफ्ते देख सकते हैं आई थिंक उससे भी नीचे स्लिप हो जाएगा स्टॉक। वैसे 36 जाने में कितना 15% तो बचा है, ज़्यादा कहाँ है, एक दिन का काम सर, एक दिन का काम है। वाह, एक स्टॉक पूछना है, वो है टॉरेंट पावर। एक बार वागले साहब आप ये देखिए, टॉरेंट पावर सर ये रिलेटिवली उतना नहीं गिरा जितना बाजार टूटता हुआ नजर आया है, और आज के सत्र में उल्टा निचले स्तरों से हो रही है कुछ खरीदारी डेफिनेटली। अभी तो रिजल्ट्स में बहुत टाइम है, 5 अगस्त को आने कंपनी के, नतीजे यही मैं चेक कर रहा था वीएससी पे। अभी बताइए टॉरेंट पावर ये 306 के इस पे क्या करना चाहिए? रजत ये एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और आपने बिल्कुल सही कहा, ये बिल्कुल भी नहीं गिरा है, ये माहौल में गिरना चाहिए था। अगर मार्केट में बाउंस बैक आता है तो लॉन्ग करने के लिए ये कैंडिडेट बिल्कुल हो सकता है, बट मैं फिलहाल वेट करूंगा। मुझे लगता है ये समो 295-297 के नीचे जाना नहीं चाहिए, ऊपर में 320-325 तक जा सकता है जब भी बाउंस बैक आएगा। लेकिन जो सीमेंट पैक शुरुआती सत्र में तेज हुआ था, ऊपरी स्तरों पे आ गई थोड़ी मुनाफा वसूली, थोड़ी नहीं इनफैक्ट आज के सत्र में जो बाजार था उसके तर्ज पे मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। अंबुजा ये स्टॉक ऊपरी स्तरों पे फिसला और ACC भी नहीं समझ पाया, जहाँ पर नतीजे थे वहाँ पर ही ऊपरी स्तरों पे हुआ है, आज के सत्र में मुनाफा वसूली का कैंडिडेट बनता हुआ नजर आया। इंडिगो 1% ऊपर है, नतीजे आने वाले हैं, 1476 क्या लेवल बताए थे सर इंडिगो के, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं? 1476 पे अभी फ्यूचर्स, अभी नतीजे आएंगे बाजार बंद होने के बाद, 1445 की अगर स्लिप हो जाता है तो बिकवाली आ सकती है स्टॉक में, एंड मुझे लग रहा है ऊपर में अराउंड 1500 के आसपास इसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, तो वो निकल जाता है तो डेफिनेटली एक अच्छे फ्रेश स्टिमुलस आ सकता है स्टॉक में, बट मुझे उसके चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं। आज के बाजार में जो नहीं गिरा फ्यूचर्स में वो है जस्ट डायल, मैंने कैश का रेट नहीं देखा, मैंने सिर्फ फ्यूचर्स का रेट देखा था। रिजल्ट आने वाले ना? अच्छा रिजल्ट है मंडे को मेरे ख्याल से, रिजल्ट उससे पहले फ्यूचर्स में तो ये एक्टिव है, मंडे रिजल्ट से, मंडे को रिजल्ट से उससे पहले रिजल्ट, अब पता नहीं कैश में तो खैर ही ऊपर ही होगा 740 के लेवल पे, तो फ्यूचर्स तो कैश तो यहाँ से ऊपर का ही भाव दिखाएगा, लेकिन बाजार होने से बंद होने से जस्ट पहले यहाँ पर खरीदारी देखने को 4% कैश मार्केट पे 4% ऊपर है जस्ट डायल आज के साथ, तो अच्छी तेजी यहाँ पर बनती है। एक बार रिलायंस इंडस्ट्रीज जाते जाते दिखा दीजिए स्टॉक का क्या हाल है, क्योंकि अब नतीजे जो सबसे ज्यादा वे करेंगे मार्केट को रिलायंस इंडस्ट्रीज बाजार बंद होने के बाद आने वाले हैं। स्टॉक है 0.1% नीचे, संभल नहीं पाया स्टॉक दिन भर, पर 1252 बाकी स्टॉक्स के रिलेटिवली आज के सत्र में हुई है कम बिकवाली, तो बाजार बंद होने वाला है 11,433 के लेवल पर पहुंच गए, 11,400 के लेवल से हुई है रिकवरी थोड़ी, 30 पॉइंट्स के आसपास की रिकवरी हुई है, और निफ्टी बैंक ये 600 पॉइंट्स नीचे बंद होने जा रहा है, 29,812 30,000 के लेवल के नीचे बंद होगा। सर ये क्लोजिंग वीक है, मेरे को पता है आप क्लोजिंग वीक बोलोगे, दो फ्लोर ऊपर से बोल नीचे गिराओगे तो 10-15 फुट तो ऊपर आएगी वापस, मतलब 30-35 पॉइंट की रिकवरी कोई रिकवरी है? वो भी आखिरी मिनटों की, जो लोग शॉर्ट काट के जा रहे हैं, कोई खरीद के नहीं जा रहा उसको। थैंक यू वेरी मच, ये आज इतनी इस घंटी की आवाज मधुर लगी है मुझे। पिछली बार भी जब बिक रहे थे तब भी आपने ऐसी बोला, पिछली बार जो टूट रहे थे तब भी आपने ऐसी बोला, ऐसा नहीं लग रहा जैसे अपने सर पे बड़ा वजन रखा हो किसी ने, ऐसा इतने देर दिनादिन सेल कॉल आई है, इतनी सारी शीट भर गई सेल कॉल पे, सेल कॉल एक कॉल आई थी श्रीराम ट्रांसपोर्ट, लास्ट बाय कॉल जस्ट डायल का आया था सिमी जी का ट्रांसपोर्ट, उसके बाद नहीं सिमी जी का, वो तो अभी आया है श्रीराम का, लेकिन मतलब सुबह बता रहा हूँ, उसके बाद जो M&M से शॉर्ट कॉल शुरू किया था राकेश जी कुणाल जी ने, उसके पहले वागले जी ने एक साइड जरूर दिया था, M&M के बाद कोई बाय कॉल नहीं आया, खाली आखिरी आपका SRT श्रीराम ट्रांसपोर्ट था। चलिए प्रोविजनल क्लोजिंग 160 अंक नीचे निफ्टी 11,437 पर, सेंसेक्स 507 अंक नीचे 38,390 पर, और 594 पॉइंट नीचे बंद हुआ है बैंक निफ्टी 29,836 पर। माफ कीजिएगा, ये है आपके लिए प्रोविजनल क्लोजिंग। चलिए सभी एक्सपर्ट से लेंगे विदा, हैव अ नाइस वीकेंड, तनाव ना लीजिए बिल्कुल भी, आराम से, ये तो मार्केट है कभी ऊपर कभी नीचे चलता रहता है। बंसल जी कुणाल जी लाइफ एंजॉय कीजिएगा, जैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सचिन जी और संदीप जी आपका भी धन्यवाद।